भागवत के द्वितीय स्कंध के दशम अध्याय में कहते हैं, आभा
यतोऽस्त्यभ्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शक्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसाधिवाधिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो व्याधिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपदभामहे त्रितयं तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। श्रीमद्भागवत के पूर्ववर्ती नवलक्षण सत्र से प्रारंभ करते हुए मुक्ति पर्यंत अंतिम दशम लक्षण स्वरूप आश्रय नामक पदार्थ का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए अति अपरिहार्य है। उन समस्त नवलक्षणों का पूर्व सत्रों में विवेचन संपन्न हुआ। अब दशम लक्षण आश्रय तत्व को समझने में, उसका अवबोधन करने में कठिनाई प्रतीत नहीं होगी। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि आश्रय तत्व का लक्षण क्या है। आश्रय तत्व का लक्षण है जिस ब्रह्म की जिज्ञासा पूर्वक वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्रों का प्रारंभ हुआ, प्रवर्तन हुआ, उस ब्रह्म जिज्ञासा के फल स्वरूप ब्रह्म के लक्षणों का निरूपण करते हुए द्वितीय सूत्र में, ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र में कहा गया कि जन्माद्यस्य यतः, विश्व की सृष्टि स्थिति संहृति आदि जिस कारण से प्रकट होते हैं, विश्व की सृष्टि संहृति तथा स्थिति ये तीनों ही कार्य स्वरूप है तथा ये तीनों ही कार्य जिस कारण के द्वारा, जिस हेतु के द्वारा प्रकट किए जाते हैं अथवा जिससे इस विश्व की सृष्टि, जिससे इस विश्व की स्थिति तथा जिससे इस विश्व की संहृति आदि क्रियाएं संपन्न होती है, वह ही ब्रह्म है जिसकी जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र के प्रथम श्लोक में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र के द्वारा हुई। तो वही जो ब्रह्म है यहाँ पर आश्रय तत्व माना गया, तभी तो उस आश्रय तत्व का निरूपण करते समय, उसकी परिभाषा को प्रदान करते समय कहते हैं कि आभासश्च निरोधश्च यतः अस्ति अध्यवसीयते। आभास तथा निरोध दोनों ही अवस्थाएं जिसके ऊपर आधारित है, जो मूल हेतु है इन दोनों ही अवस्थाओं का। और ये अवस्थाएं किसके संबंध में मानी गई है, जो परिदृश्यमान विश्व प्रपंच है, जड़ जगत है, उसके संबंध में आभास तथा निरोध ये दोनों ही अवस्थाएं दशाएं स्वीकृत होंगी। प्रश्न उठा कि यहाँ पर आभास किसे कहेंगे एवं निरोध किसे कहेंगे। तो आभास कहेंगे सृष्टि तथा सृष्ट पदार्थों को, तथा निरोध कहेंगे समस्त सृष्ट पदार्थों का अथवा जो स्थूल प्रकृति है उसका, तथा जो जीव समुदाय है उसका, इन दोनों का पुनः परमात्मा में
विलीन हो जाना, सूक्ष्म भाव को प्राप्त कर लेना, किसी को निरोध कहते हैं। इस प्रकार से निरोध का हम पहले वर्णन कर चुके हैं अष्टम लक्षण के रूप में, कि निरोध का एक अर्थ बताया गया है कि समस्त जगत का भगवान महाविष्णु के रूप को पुनः लय को प्राप्त होना, समस्त चराचर जगत का जीव भूत का तथा जड़ भूत का उभय विद भूत समुदाय का जीव भूत तथा जड़ भूत बहिरंगा शक्ति के कार्य विकार स्वरूप जो जड़ भूत है तथा तटस्था शक्ति के कार्य विकार स्वरूप जो जीव भूत है, दोनों ही प्रकार के भूत समुदाय का, क्योंकि जीवों को भी भूत कहा गया, जीव भूतां महाबाहो यदम धार्यते जगत, और जड़ को भी भूत कहा गया, भूमि रापो नलो वायु हम मनोबुद्धिरेव चाहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो जड़ों को तो पंच महाभूत को तो भूत कहते ही है, परंतु जीव चेतन समुदाय को भी भूत आख्या के द्वारा विभूषित किया गया है शास्त्रों में, गीता आदि शास्त्रों में। तो जीव तथा जड़ उभयविद जो भूत समुदाय है, वह जिनमें लय को प्राप्त होता है प्रलय काल उपस्थित होने पर, तो ये तो विरोध हो गया। तथा जीव तथा जड़ भूत समुदाय जिनके द्वारा सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में प्रकट किए जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से जो प्रकृति है, जो बहिरंगा शक्ति माया है, वह सूक्ष्म भाव से निवास करती है, विशेष करके प्रलयकालीन अवस्था में वह सूक्ष्म भाव से निवास करती है। तथा जब इस जगत का सृजन होता है, उस समय वह स्थूल रूप को प्रकट करती है। तो प्रकृति के स्थूल रूप को भी कहीं कहीं शास्त्रों में सत शब्द के द्वारा परिभाषित किया गया है, और कहीं कहीं किसी वैदिक प्रकृति के सूक्ष्म रूप को हमारे शास्त्रों में असत शब्द के द्वारा व्यंजित अथवा सूचित अथवा अभिहित किया गया है। तो जो असत शब्द है वह प्रकृति के सूक्ष्म रूप को दर्शाता है। Unmanifested form of the material energy is rather sometimes in the shastras designated as asat, and whereas the gross manifested form of the material potency, external potency, material nature is sometimes in the shastras called as sat. So sat or asat. तो कल जिस प्रकार से नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, हितोक्त इस श्लोक की व्याख्या करते समय किसी सत्तावान पदार्थ को सत माना गया और किसी सत्ताहीन पदार्थ को जिस प्रकार से असत माना गया, उस प्रकार से यहाँ पर सत तथा असत शब्दों का प्रयोग प्रकृति के संबंध में शास्त्र नहीं करता है। प्रकृति तो वास्तव में सत्ता युक्त पदार्थ है ही अनादिकाल से, और जिस प्रकार से ईश्वर जीव काल और कर्म ये चार पदार्थ नित्य है अनादि है, उसी प्रकार से प्रकृति भी नित्य तथा अनादि सत्ता वाली है। परंतु प्रकृति को जब सत कहा जाता है तो वह उसके स्थूल रूप को वहां पर बताया जा रहा है, और प्रकृति को जब असत कहा जाता है तो वह उसके सूक्ष्म रूप को बताया जा रहा है, अव्यक्त तथा व्यक्त प्रकृति। तो अब प्रकृति जीव भूत जड़ भूत उभयविद जो समुदाय है, उसका प्रागट्य जिस परमात्मा के द्वारा होता है वो उस क्रिया को आभास कहते हैं। आभास तथा निरोध दोनों ही जिसके ऊपर टिके हुए हैं आश्रय है, उसको आश्रय तत्व तो माना जाएगा। ये तो प्रथम परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है। एक दूसरी परिभाषा भी अग्रिम श्लोक में दे रहे हैं शुक्रदेव मुनि। प्रश्न उठता है कि जैसे चतुर्श्लोकी भागवत में भी कहा कि हृदय अर्थम यत प्रतिहेतन प्रतियत चात्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा भासु यथा तथा। चतुर्श्लोकी भागवत में द्वितीय स्कंध में यह कहा गया कि हृदय अर्थम यत प्रतिहेतन न प्रतियत चात्मनि, कि मुझको छोड़कर यदि और कुछ प्रतीत होता है तो वह वास्तव में मिथ्या है और एकमात्र मैं ही सत्य पदार्थ हूं। ऐसा श्री भगवान नारायण ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते समय कर रहे हैं। अहमेवासमेवात्रे नान्यत् यद् सरसत् परम। पहले तो कहते हैं कि केवल इस सृष्टि की पूर्व में मैं ही एकमात्र सत्तावान हूं। अहम एव आसम अग्रे,
अन्यत सत असत परम और कुछ भी सत तथा असत सृष्टि के परे सृष्टि से पहले नहीं था। तो यहाँ पर सत असत का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सत असत का यदि ये तात्पर्य ले कि जितने भी सत्तावान पदार्थ हैं और जितने भी सत्ताहीन पदार्थ हैं, खरगोश के सिंह की भांति जितने भी सत्ताहीन काल्पनिक पदार्थ हैं और परिदृश्यमान जगत की भांति जितने भी सत्तावान पदार्थ हैं, वो समस्त सृष्टि से पहले नहीं थे। एक तो यहां पर यह अर्थ निकलता है और सत असत का यदि प्रकृति के संबंध में अर्थ निकालते हैं तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि प्रकृति का सूक्ष्म रूप अव्यक्त रूप तथा प्रकृति का जो स्थूल रूप है व्यक्त रूप है, ये दोनों भी सृष्टि से पहले विद्यमान नहीं थे। केवल एकमात्र परमात्मा ही विद्यमान थे। अहम एव आसम अग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम, जो कुछ भी सत् तथा असत् नाम से विख्यात है वो पहले सृष्टि के पूर्व में नहीं था। पश्चात हम यदे तच्च यो वशिष्ये तस्मि अहम्। और इस सृष्टि के पश्चात भी, सृष्टि का पुनः जब प्रलय हो जाएगा उस समय भी एकमात्र मैं ही बचा रहूंगा अवशेष में। पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्ये तस्मि अहम्। तो यहां पर श्री भगवान क्या कहना चाहते हैं? अद्वैत वेदांत ये कहते हैं कि श्री भगवान यहां पर ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति नाम का जो पृथक पदार्थ है वह उसकी नित्य सत्ता नहीं, क्योंकि सृष्टि से पूर्व भी एकमात्र परमात्मा वस्तु ही परब्रह्म वस्तु ही रहती है और सृष्टि के पश्चात भी प्रलय के समय में भी एकमात्र परमार्थिक वस्तु का ही परतत्व ब्रह्म का ही अवस्थान रहता है, परमात्मा वस्तु का ही अवस्थान रहता है। तो अद्वैत वेदांत यहाँ पर मानो ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के जो दोनों रूप है सत तथा असत वे नित्य नहीं है, तथा जो जितने भी सत्तावान पदार्थ है इस संसार में और जितने भी सत्ताहीन पदार्थ है, तो सत्ताहीन पदार्थों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, परंतु जो सत्तावान पदार्थ है वो भी अस्तित्वहीन है, ऐसा ही कहना चाहते, क्योंकि सृष्टि के आदि में भी इनकी सत्ता नहीं है और सृष्टि के अंत में भी इनकी सत्ता नहीं है, केवल मध्यवर्ती दशा में इनकी सत्ता को माना जा सकता है, क्षणभंगुर सत्ता। इसीलिए एकमात्र परब्रह्म पदार्थ को छोड़कर और कोई पदार्थ है ही नहीं सत्तावान, तभी तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर है। एकमात्र जो परब्रह्म है जो कि निर्गुण निर्विशेष है वही त्रैकालिक सत्ता वाला है, अन्य जितने भी इस जगत में दिखाई देने वाले परिदृश्यमान सूक्ष्म प्रकृति स्थूल प्रकृति तथा सत तथा असत आदि पदार्थ है वो सभी वास्तव में सत्ताहीन है, ऐसा यहाँ पर अद्वैत वेदांतियों का प्रकटन हुआ। लेकिन वैष्णवाचार्य ने कहा कि यहां पर श्री भगवान ये बताना चाहते हैं कि सृष्टि के पूर्व सृष्टि के मध्य में तथा सृष्टि का संवरण हो जाने के पश्चात प्रलयावस्था में तीनों ही अवस्थाओं में जो श्री भगवान यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि मैं ही एकमात्र बचा रहता हूँ और कोई पदार्थ मुझसे भिन्न नहीं है, उसका तात्पर्य भगवान ये नहीं कहना चाहते कि सूक्ष्म प्रकृति स्थूल प्रकृति सत तथा असत इन सभी की सत्ता सृष्टि के पूर्व नहीं थी या प्रलय के समय सृष्टि के बाद नहीं रहेगी या सृष्टि के मध्य में भी नहीं है ना। यहाँ पर मानो श्री भगवान ये कहना चाहते हैं कि एकमात्र जो अंतिम तत्व है एब्सोल्यूट फाइनल अल्टीमेट रियलिटी, एकमात्र अंतिम जो तत्व है वह मैं ही रहता हूँ हर समय, चाहे सृष्टि की पूर्वावस्था में हो मध्यावस्था में हो चाहे अंतिम अवस्था में हो, और मुझ एक तत्व से भिन्न कोई दूसरा तत्व है जो इस स्पर्धा में आ सके ऐसा न सृष्टि के पूर्व में है न मध्य में है न अंत में है,
परंतु यहाँ पर श्री भगवान का यह अभिप्राय नहीं है कहने का कि सूक्ष्म प्रकृति की स्थूल प्रकृति की कोई सत्ता नहीं रहती, या जो सत असत चित्र भी पदार्थ है उनकी सत्ता नहीं रहती, या नहीं है या नहीं रहेगी। यदि ऐसा होता तो जीव भूतों की भी सत्ता नहीं रहेगी। भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं रहता, मुझको छोड़कर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। यदि ऐसा ही होता तो श्री भगवान के द्वारा गीता में ये कहना कि नत्वे वान नाश जातु नासम और बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवचार जड़, ये सब कहना कि हम सभी की सत्ता नित्य है, तो यहाँ पर तो भगवान अनंत सत्ताओं की बात कर रहे हैं और नित्यो नित्यानां चेतनश चेतनानां में भी अनंत सत्ताओं की बात की जा रही है। तो यदि श्री भगवान को छोड़ के और कुछ है ही नहीं, अन्य समस्त पदार्थ मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, तब तो फिर ये अन्य जो शास्त्र के वाक्य है वो गलत सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए अद्वैत वेदांतियों का जो अर्थघटन है वो नहीं स्वीकारा जा सकता। और यदि ऐसा माने कि सृष्टि की पूर्वावस्था में सत असत कुछ भी नहीं था, तो असत का एक अर्थ निकलता है मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, अनमैनिफेस्टेड मटेरियल नेचर, सूक्ष्म प्रकृति। तो सूक्ष्म प्रकृति का तो परिभाषा ही ये दी गई है शास्त्रों में कि जो प्रलय की अवस्था में सृष्टि से पूर्व प्रकृति का जो रूप अवस्थित रहता है उसमें सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। और यदि आप यहाँ पर यह कह देते हैं कि असत भी नहीं था, यानी सूक्ष्म प्रकृति भी नहीं थी, तो सूक्ष्म प्रकृति शब्द का अर्थ ही नहीं बैठता है ना। आप समझिए इन बातों को। इसीलिए अद्वैत वेदांतियों के द्वारा ये मानना कि एकमात्र परब्रह्म पदार्थ को छोड़कर और वो भी निर्गुण निर्विशेष निशक्य तीनों शक्तियों से रहित, बहिरंगा अंतरंगा और तटस्था, तीनों शक्तियों से रहित, समस्त वैचित्र्यों से रहित जो निर्विशेष ब्रह्म है वही एकमात्र है तीनों कालों में, सृष्टि के पूर्व मध्य और अंत में, और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ये अर्थघटन यहाँ पर सुसंगत नहीं बैठता है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो असत शब्द का जो अर्थ है सूक्ष्म प्रकृति, और सूक्ष्म प्रकृति तो सृष्टि के पश्चात नहीं दिखाई देती, सृष्टि से पूर्व दिखाई देती है, सृष्टि के पश्चात प्रकृति का स्थूल रूप यानी सत दिखाई देता है, सृष्टि से पहले असत यानी प्रकृति का सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। तो फिर प्रकृति के सूक्ष्म रूप का जब अवस्थान ही नहीं है अद्वैत वेदांतियों के अर्थघटन के आधार पर, तो फिर सूक्ष्म प्रकृति जैसी कोई चीज ही नहीं रह जाती है, लेकिन तथापि उसका शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए उनकी बात को यहाँ पर नहीं स्वीकारा जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर यह अर्थघटन करना पड़ेगा कि एकमात्र जो तत्व है फाइनल एंड अल्टीमेट फैक्चुअली एग्जिस्टिंग रियलिटी, वो श्री परमात्मा तत्व ही है तीनों ही कालों में, सृष्टि से पूर्व मध्य अंत और उसके पश्चात प्रलय, समस्त कालों में एकमात्र परमात्मा तत्व ही है। और अन्य जितने भी गौण तत्व हैं, जैसे कि जीव तत्व है, माया तत्व है, जगत तत्व है, ये समस्त उस मुख्य तत्व परमात्मा तत्व के या तो कोई इसका अंश है, या तो कोई उसकी बहिरंगा शक्ति है, या तो कोई उसकी बहिरंगा शक्ति के कार्य रूप जगत है। जैसे श्री स्वामीपाद कहते हैं विद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, भागवत के द्वितीय श्लोक के इस चरण की व्याख्या करते समय कहते हैं कि वस्तुनः अंशः जीवः, वस्तुनः शक्तिः माया, वस्तुनः कार्यं जगत् च, तत् सर्वं वस्तुएव। एक ही वस्तु है, वास्तव में देखें तो एक ही तत्व है, अनेक तत्व नहीं है, क्योंकि अनेक तत्वों को अनेक वस्तुओं को मानने पर क्या होगा, परब्रह्म पदार्थ सजातीय विजातीय स्वगत भेद युक्त हो जाएगा। जिस सजातीय विजातीय स्वगत भेद को हम गौड़ीय संप्रदाय वाले नहीं स्वीकार करते हैं, शंकराचार्य वाले भी नहीं स्वीकारते, लेकिन उनका जो भेद त्रय को न स्वीकारना है वो कुछ और ढंग से है, हमारा जो भेद त्रय को न स्वीकारना है वो कुछ और प्रकार का है। हम कहते हैं कि श्री भगवान सजातीय भेद रहित है। प्रश्न उठा कि अरे भैया जीवात्मा तो भगवान का सजातीय है ना, क्योंकि भगवान भी नित्य है और चेतन है, जीव भी नित्य तथा चेतन है, भगवान के सच्चिदानंद गुण युक्त है, जीव भी सच्चिदानंद गुण युक्त है, तो फिर जीव तो भगवान का सजातीय हुआ। नहीं, जीव भगवान का सजातीय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अंश होता है वो अंशी का सजातीय नहीं माना जाता। They are not corresponding categories. Corresponding category में तो दूसरा अंशी ही आएगा ना। दो अंशी यदि चेतन तथा नित्य हो तब उनको परस्पर सजातीय मानेंगे। आप समझिए भैया, दोनों एक स्तर के हो, एक लेवल के हो, तभी तो दोनों को सजातीय माना जाएगा।
ये थोड़ी है कि नित्यता और चेतनता का गुण दोनों में है तो सजातीय हो गए, दोनों एक स्तर के भी तो होने चाहिए। तो जीवात्मा विभिन्न अंश है, भगवान अंशी है, तो श्री भगवान जो अंशी है दो अंशी यदि हो जाते पृथक सत्ता वाले, और तब जाकर दोनों में एक प्रकार के गुण होते हैं नित्यता चेतनता आदि, तब जाके दोनों सजातीय बन पाते। लेकिन यहां पर तो श्री भगवान को छोड़कर दूसरा कोई अंशी है ही नहीं, इसीलिए कोई भी सजातीय पदार्थ नहीं माना जा सकता श्री भगवान का, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं है किसी के साथ, कोई विजातीय पदार्थ भी नहीं माना जा सकता, किस प्रकार से नहीं माना जा सकता। प्रश्न उठा कि जो जड़ प्रकृति है वो तो चेतनता आदि गुणों से रहित होने के कारण और श्री भगवान पूर्ण चिन्मय होने के कारण बिल्कुल विरोधी है, श्री भगवान का जो स्वभाव और स्वरूप है उसकी बिल्कुल विरोधी है जो जड़ माया है वह। तो फिर क्यों जड़ माया को और जड़ माया के विकार स्वरूप जो प्रधान महत्त्व तीन प्रकार के अहंकार और उनके द्वारा उत्पन्न जितने भी तन्मात्राएं इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार गुणत्रय आदि जो पदार्थ हैं उनको हम क्यों विजातीय नहीं मान सकते, उनको विजातीय इसीलिए नहीं मान सकते क्योंकि विजातीय पदार्थ का एक लक्षण यह होना चाहिए कि वह सर्वथा अन्य विजातीय पदार्थ से वह सर्वथा पृथक हो, अत्यंतिक भेद होना चाहिए तभी दो पदार्थ परस्पर विजातीय बन सकते हैं, अत्यंतिक भेद होना चाहिए, दे शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट शुड नॉट बी दैट वन इज रिलाइंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द अदर। एक विजातीय पदार्थ यदि अन्य विजातीय पदार्थ की सत्ता के ऊपर आधारित है तो वो विजातीय होने पर भी किसी अंश में वह विजातीय होने पर भी वो वास्तव में विजातीय नहीं माना जा सकता। और जैसे हमने समझाया सजातीय पदार्थ तो कोई है ही नहीं भगवान का, वो बात तो है, वो संभावना तो वहीं निरस्त हो जाती है। अब यदि विजातीय की चर्चा करते हैं तो कोई भी विजातीय पदार्थ थोड़ा बहुत अन्य पदार्थ से भिन्न होने पर भी यदि उस अन्य पदार्थ की सत्ता के ऊपर यदि उसकी सत्ता टिकी हुई है तो वो पूर्णतया विजातीय यानी भिन्न नहीं माना जाएगा। तो जो जड़ भूत समुदाय है उसकी सत्ता कहां पर टिकी हुई है, भिन्ना प्रकृति में अष्टधा, ये मेरी ही भिन्ना शक्ति बहिरंगा शक्ति है, शक्ति शक्तिमान के ऊपर आश्रित है, इसीलिए कोई भी पदार्थ श्री भगवान से सर्वथा 100% विजातीय डिफरेंट नहीं माना जा सकता। कोई भी पदार्थ 100% श्री भगवान के सिमिलर या लाइकलीनेस में नहीं आ सकता क्योंकि न तत् समश्चाप्य दिकश्च दृश्यते, कोई उसके समान नहीं है, कोई उससे बड़ा नहीं है, तो उसका कोई सजातीय भी नहीं हो सकता, समान स्तर वाला भी कोई नहीं हो सकता और कोई उससे पृथक न होने के कारण समस्त की सत्ता तो पृथक है लेकिन अंततोगत्वा उन समस्त पदार्थों की जीवभूत तथा जड़भूत पदार्थों की जो सत्ता है श्री भगवान के ऊपर आधारित होने के कारण अत्यंतिक भेद श्री भगवान तथा जड़ तथा जीव समुदाय में नहीं है, इसलिए कोई विजातीय पदार्थ यहां पर सिद्ध नहीं होगा। और स्वगत भेद नहीं है श्री भगवान, स्वगत भेद किसे कहेंगे, श्री भगवान के व्यक्तित्व के अंदर भेद का होना उसको स्वगत भेद कहेंगे। तो यहां पर जितने भी अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं मध्व रामानुज आदि वो यहां पर गौड़ीय सिद्धांत के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव वृंद ने जो इतने सारे भेद स्वीकार किए हैं भगवत तत्व के मध्य में भी कि कोई तो मनवंतरावतार है, युगावतार है, लीलावतार है, आवेशावतार है, कोई जो है विलास है, कोई कतेकात्म रूप है, कोई स्वांश है, कोई जो है प्रथम चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह है, और समस्त जो है अलग अलग श्रेणी में जो बांटा है ये तो वास्तव में श्री भगवान के व्यक्तित्व में अंदरूनी दखल अंदाजी हो गई, श्री भगवान के व्यक्तित्व में जो है इंटरनल इंटरफेरेंस उसको कहते हैं अंदरूनी हस्तक्षेप करना और उस प्रकार से भगवान के व्यक्तित्व और सत्ता में एक प्रकार से स्वगत भेद को उत्पन्न करना है। यहाँ पर मध्व रामानुजियों का तर्क है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के सामने, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखिए हमारे श्री रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में कि सिद्धांत तथा तू अभेदे अभी
यहाँ पर जिस स्वगत भेद के निषेध की बात हो रही है कि भगवान के अंदर किसी प्रकार का स्वगत भेद नहीं है, तो उसको तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस की यहाँ पर बात हो रही है। देयर इज नो ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस विद इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड स्वगत भेद। There is no ontological difference between the internal existence of the Supreme Lord. किस प्रकार से कि जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है, वही श्री मत्स्य है, वही श्री नरसिंह है, वाराह है, पूर्व है, वही श्री वैकुंठाधिपति नारायण है, वही श्री प्रथम चतुर्व्यूह है, श्री द्वितीय चतुर्व्यूह है, वही अन्य अन्यान्य जितने भी विष्णु तत्व के रूप है, वह एक श्री हरि श्री श्याम सुंदर ही एक ही व्यक्ति है। एको यम बहुस्याम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जैसे व्याख्या की गई है, एक ही व्यक्ति इन समस्त स्वांश रूपों में प्रकट होता है। लेकिन फिर यहां पर प्रश्न उठा कि यदि आपने तात्विक सिद्धांत सैद्धांतिक भेद को नहीं स्वीकार किया, गॉडियंस डू नॉट एक्सेप्ट ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस विद इन द पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड, दे एक्सेप्ट दैट ऑल द फॉर्म्स एंड एक्सपांशंस एंड इनकार्नेशंस ऑफ गॉडहेड आर वन एंड द सेम पर्सन अपीयरिंग इन मल्टीवेरियस फॉर्म्स। तो यदि आपने सिद्धांततः और तत्वतः ऑन्टोलॉजिकल भेद स्वीकार नहीं किया भगवान के व्यक्तित्व, तो फिर पुनः अंश तथा अंशी वाला भेद तो आप मानते हैं, ऐसा पुनः यहां पर आक्षेप खड़ा हुआ गौड़ीय सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि गौड़ीय लोग मानते हैं, गौड़ीय दर्शन यह मानता है कि जो श्री श्याम सुंदर है, ब्रज बिहारी है, गोविंद देव है, वे स्वयं रूप स्वयं भगवान होने के कारण अंशी है, और अन्य जितने भी नारायण नरसिंह आदि जो रूप है, राम आदि जो रूप है, वे उसके स्वांश माने गए। तो स्वांश तथा अंशी में कुछ तो भेद होगा, लेकिन यहां पर एक और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि स्वांश और अंशी में दो प्रकार के भेद हैं। एक तो रस की दृष्टि से है, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, और एक है सामर्थ्य की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से नहीं, स्वरूप की दृष्टि से ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, स्वरूप तथा जो तत्व है अथवा जो सिद्धांत है उसकी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, परंतु सामर्थ्य की दृष्टि से भेद है और रस की दृष्टि से भेद है। तो रस दृष्टि से जो भेद है वो तो यह है कि श्री श्याम सुंदर अकेले ही केवल द्वादश रस परिपूर्ण है, अन्य जितने भी राम आदि जो रूप है वे या तो नवरस परिपूर्ण है या नवरस से भी कम रसों के आगार है, और एक ही व्यक्ति अन्य समस्त रूपों में प्रकाशित है। इसलिए ये यहां पर ऑन्टोलॉजिकल नॉन डिफरेंस स्थापित हो रहा है, तात्विक अभेद है समस्त रूपों में, विभिन्नांश की तरह नहीं है, जीवों की तरह नहीं है। यहाँ पर अन्य जितने भी विष्णु के रूप है उनका श्री श्याम सुंदर के साथ तात्विक अभेद है, ऑन्टोलॉजिकल नॉन डिफरेंस। रस की दृष्टि से थोड़ा भेद आ जाता है, रसेन रसेन उत्कृष्यते रूपम कृष्ण विशारस स्थिति, लेकिन वो स्वगत भेद के रूप में स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि स्वगत भेद को तभी कहेंगे जब एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में पृथक पृथक सत्ताएं विराजमान, एक पदार्थ के अंदर पृथक पृथक सत्ताएं विराजमान, परंतु राम नरसिंह नारायण आदि जो स्वांश है वो पृथक पृथक सत्ताएं नहीं है, वो एक श्याम सुंदर ही है, इन अनेक रूपों में प्रकाशित होने वाले वो पृथक पृथक सत्ताएं नहीं है परस्पर, दे आर नॉट डिफरेंट इन एग्जिस्टेंस, दे आर ओनली डिफरेंट इन फॉर्म्स एंड नेम्स, केवल नाम रूप की दृष्टि से उनमें भेद है, सत्ता की दृष्टि से उनमें भेद नहीं है। सत्ता की दृष्टि से तो केवल परमात्मा और जीवात्माओं के मध्यस्थ भेद है, तो सत्ता की दृष्टि से भेद न होने के कारण स्वगत भेद सिद्ध नहीं होता है, दैट इज नो ऑन्टोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। तो रस की दृष्टि से थोड़ा भेद है और सामर्थ्य की दृष्टि से भेद है। जैसे ये जो षट प्रकार के जो ऐश्वर्य माने गए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भगैरिदिङ्गना, ये षट प्रकार के जो ऐश्वर्य माने गए
ये श्री श्याम सुंदर में अत्यंतिक रूप से विराजमान है और अन्य जितने भी रूप है उनमें अपेक्षित न्यून भाव से विराजमान है, लेकिन अपेक्षित न्यून भाव से यह षटगुण विराजमान होने पर भी ये समस्त जो रूप है वो एक ही व्यक्ति के हैं। व्यक्ति अलग अलग नहीं, सत्ताएं अलग अलग नहीं है। सत्ताएं अलग अलग न होने के कारण ऑन्टोलॉजिकल नॉन डिस्टिंक्शन सिद्धांत तत्व तथा जो सत्तागत पार्थक्य है वो सिद्ध नहीं होता है। केवल सामर्थ्यगत और रसगत जो पार्थक्य है वही यहां पर सिद्ध होता है। तो इसीलिए स्वगत भेद को गौड़ीय सिद्धांत भी स्वीकार नहीं करता और गौड़ीय सिद्धांत का जो तारतम्य वाला जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसके साथ स्वगत भेद वाला जो सिद्धांत है, तारतम्य का तात्पर्य है कि श्री भगवत तत्व के भीतर भी हायरार्की है। हायरार्की का मतलब ऊपर नीचे का यहाँ पर वैचित्र विद्यमान कि कुछ रूप जो है उत्कृष्ट है, कुछ निकृष्ट है रस की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, इस प्रकार का जो तारतम्य है, हायरार्किकल ग्रेडेशन, वह विद्यमान होने पर भी सत्तागत पार्थक्य न होने के कारण एक ही व्यक्ति एक ही सत्ता इन समस्त रूपों में प्रकाशित होने के कारण पुनः प्रश्न उठा कि जो अंश होता है और जो स्वांश और अंशी होता है तो स्वांश किसे कहेंगे? स्वांश उस अंश को कहेंगे जो अपने अंशी से पृथक ना हो, सत्ता की दृष्टि से जो पृथक ना हो। यदि सत्ता की दृष्टि से अंश अपने अंशी से पृथक हो गया तो वो स्वांश न कहला के वो विभिन्नांश कहलाएगा, हाँ, जो जीव है। तो इन कारणों से सत्तागत पार्थक्य किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। अतएव श्री भगवान के व्यक्तित्व में जो शुद्ध बुद्ध नित्य मुख्य स्वभाव जो श्री भगवान है उनके अंदर स्वगत भेद भी निरस्त हुआ, सजातीय भेद भी निरस्त हुआ और विजातीय भेद भी निरस्त हुआ। तत्पश्चात जो ज्ञान ज्ञाता तथा ज्ञेय का जो भेद है वह भी श्री भगवान में नहीं है। कभी तो उनको वरन में तत्त्व विदस्तत्व यज ज्ञान मत्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते कहा गया कि हम उस परम तत्व की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो अद्वैत ज्ञान स्वरूप है। अद्वैत ज्ञान का मतलब है हु इज नॉन ड्यूअल नॉलेज पर्सोनिफाइड। अब अद्वैत ज्ञान किसे कहेंगे कि जिस पदार्थ में ज्ञान ज्ञेय से भिन्न न हो, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न न हो, ज्ञेय ज्ञाता से भिन्न न हो, ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न न हो और ज्ञाता ज्ञान से भिन्न न हो और ज्ञान ज्ञाता से भिन्न न हो। ये परस्पर छह प्रकार की जो अभिन्नताएं हैं वो जहां पर सिद्ध होती हो उसको कहेंगे अद्वैत ज्ञान तत्व। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे? पहले आपको एक अवसर देता हूं, कैसे सिद्ध करेंगे? ज्ञान का तात्पर्य है किसी पदार्थ के विषय में जानकारी। जिस पदार्थ के विषय की जानकारी है उसको ज्ञेय कहेंगे और जो जानकारी हासिल करने वाला है, प्राप्त करने वाला है, वह ज्ञाता कहलाएगा। अब ये तीनों एक ही व्यक्ति हो उसको अद्वैत ज्ञान तत्व कहेंगे और वो है स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर, जिनके भगवान परमात्मा और ब्रह्म ये तीन जिनकी अवस्थाएं हैं। तो अब मैं पहले आपको एक अवसर देता हूं कि ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों का एक ही व्यक्तित्व में अभेद कैसे सिद्ध करेंगे शास्त्रों के आधार पर, कहां पर इसका दृष्टांत? ठीक है, सही बात है, एकदम सटीक उत्तर है कि भगवान ने कहा कि वेदैश्च सर्वैर हमेव विद्यते, समस्त वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूं। तो श्री भगवान यहाँ पर क्या सिद्ध होते हैं? ज्ञेय पदार्थ सिद्ध होते हैं। He is to be known through all the Vedas। समस्त वेदादि शास्त्रों के द्वारा एकमात्र मैं ही ज्ञेय और प्रतिपाद्य हूँ। यहाँ पर श्री भगवान मैं ही जाना जाता हूँ, यहाँ पर श्री भगवान ज्ञेय पदार्थ के रूप में सिद्ध होते हैं, प्रमाणित होते हैं। ज्ञाता के रूप में भी उसी श्लोक में सिद्ध हो रहे हैं, वेदांतविद और मैं ही उन समस्त वेदांतादि शास्त्रों का सम्यक ज्ञानी हूँ, उन
उनको सम्यक रूप से जानने वाला हूँ, ठीक ठीक जानने वाला हूँ। तो यहाँ पर श्री भगवान ज्ञाता सिद्ध हुए नोर, और दूसरी दृष्टि से भी भगवान ज्ञाता सिद्ध होते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा कि जीवात्मा तो एक ही क्षेत्र का ज्ञाता है, मैं सर्व क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। यहाँ पर भी श्री भगवान वास्तव में उनका जो ज्ञातृत्व है, उनका जो ज्ञातापन है वो सिद्ध होता है। His omniscience is verified here on the testimonial grounds of the scriptures, testimonial grounds। तो इस प्रकार से जो ज्ञातापन है वो भी भगवान में है, ज्ञेयपन है वो भी भगवान में है। अब ज्ञान को कैसे सिद्ध करेंगे कि ज्ञान ही स्वयं श्री भगवान ही है, ऐसे इसको आप कैसे प्रमाणित करेंगे? ज्ञान यानी वेदादि जो शास्त्र है वो भी स्वयं श्री भगवान है, उसको आप कैसे, क्योंकि वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, विद ज्ञाने, विद धातु ज्ञान के अर्थ में आया है, विद धातु से ही वेद शब्द बनता है। बिल्कुल, वेदो नारायण साक्षात अथवा तो धर्म मूलम तो भगवान साक्षात वेदमयो हरि ही, भागवत का श्लोक, अथवा तो शास्त्र योनित्वात् श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् तेनेयम् वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे। ये जितने भी प्रमाण है, और भी एक प्रमाण है, श्री भगवान महाविष्णु के कारण लक्षाई विष्णु के रोम रूपों में से ही, अथवा उनका जो श्वास प्रश्वास है उसी से ही समस्त वेदादि शास्त्रों का आविर्भाव हुआ। यद ऋग्वेद ही यजुर्वेद साम वेद अभिर्वांगी रस इतिहास पुराण पंचम वेद उच्यते वेदारण्य और छांदोग्य उपनिषदों का कथन। तो यहाँ इन समस्त प्रमाणों से ये जो वेदादि शास्त्र है, जो ज्ञान है, वो भी श्री भगवान से अभिन्न सिद्ध होता है। तो जो श्री भगवान स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञेय रूप है तथा ज्ञाता रूप है, इन तीनों कि जिसमें एकता है वो अद्वैत ज्ञान तत्व। लेकिन अद्वैत ज्ञान तत्व का एक दूसरा अर्थ ये भी माना गया कि जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद ना हो, इसीलिए हमको इन सभी की चर्चा यहाँ पर करनी पड़ी। तो उसी का वर्णन किया गया है जन्माद्यस्य यतः, कि विश्व की सृष्टि स्थिति संहिति आदि समस्त जो पदार्थ है वो जिसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर आभास जो कह रहे हैं उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो हम एवासमेवाग्रेण्यत परम भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि तत्व के रूप में तो केवल मैं ही तीनों अवस्थाओं सृष्टि स्थिति समृद्धि तथा उससे परे प्रलय की जो तुरी अवस्था है चौथी, समस्त अवस्थाओं में केवल मैं ही एकमात्र तत्व हूँ। क्योंकि सजातीय विजातीय स्वगत भेद न रहने के कारण मुझसे पृथक विजातीय तत्व कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरे समान स्पर्धा में आने वाला सजातीय तत्व कोई दूसरा नहीं हो सकता, और मेरे अंदर भी कोई भेद नहीं है। राम कृष्णादि रूपों में कोई तात्विक भेद नहीं है, सत्तागत कोई पार्थक्य नहीं है, इसलिए एकमात्र तत्व मैं ही हूँ। यदि कहो कि बहिरंगा शक्ति माया क्या है, अरे भैया वो तो मेरी शक्ति है, मैं शक्तिमान हूँ। यदि कहो कि ये समस्त जो विभिन्नांश है जीव है वो क्या है, तो वो तो मेरे विभिन्नांश है। यदि कहो कि राम नरसिंह नारायण आदि ये सभी रूप क्या है, तो वो तो सभी मेरे स्वांश है। यदि कहो कि परिदृश्यमान भौतिक जगत क्या है, तो वो तो मेरी बहिरंगा शक्ति माया का परिणाम रूप कार्य रूप है। इसीलिए वस्तु सजातीय विजातीय स्वरूप भेद रहने के कारण ब्रह्म दो चार पांच दस नहीं हो सकते, और ब्रह्म से पृथक कोई दूसरा पदार्थ भी नहीं है। लेकिन ब्रह्म एक होते हुए भी कुछ उसमें विचित्रता है। तो वो विचित्रता क्या है कि ब्रह्म तो शक्तिमान है, उसकी बहिरंगा शक्ति माया है, बहिरंगा शक्ति माया का परिणाम कार्य जगत है, और विभिन्नांश जो जीव है उसके अंश माने गए। उसी प्रकार से जो राम नरसिंह आदि है वो भी उसके स्वांश माने गए, और जो अंतरंगा शक्ति है जो स्वरूप होता वो भी उसकी शक्ति, मतलब तीन प्रकार की शक्तियों से युक्त, और स्वयं ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन अवस्थाओं वाला, तीन प्रकार की शक्तियों से युक्त, तटस्था बहिरंगा अंतरंगा, तीन प्रकार की शक्तियों से युक्त, और स्वयं ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन अवस्थाओं को धारण करने वाला, अन्य समस्त स्वांशों का भी मूल, विभिन्नांशों का भी मूल,
तीनों प्रकार की शक्तियों का आश्रय सजातीय स्वगत विजातीय भेद से रहित ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो एकमात्र अखंड तत्व है जिसके ऊपर अन्य समस्त आश्रित है, इसीलिए कोई पृथक तत्व नहीं माना जा सकता। पृथक होने पर भी पृथक तत्व नहीं माने जा सकते, यही तो रहस्य है। जीव विभिन्नांश होने के कारण पृथक है भगवान के, लेकिन पुनः उसकी सत्ता भगवान के ऊपर नित्य आश्रित रहने के कारण अत्यंतिक रूप से वो भगवान से पृथक नहीं है। इसीलिए वो भगवत तत्व के ऊपर आश्रित होने के कारण वो स्वतंत्र तत्व नहीं है। माया भी भगवान की शक्ति होने के कारण स्वतंत्र तत्व नहीं है। अंतरंगा शक्ति भी भगवान की शक्ति होने के कारण स्वतंत्र तत्व नहीं है। तटस्था बहिरंगा भी स्वतंत्र तत्व नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीनों उसी अद्वैत ज्ञान स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर की अवस्था होने के कारण वह भी स्वतंत्र तत्व नहीं है। ये जितने भी पदार्थ है इनमें से कोई भी स्वतंत्र तत्व नहीं कहलाया जा सकता। एकमात्र स्वतंत्र तत्व श्री अद्वैत ज्ञान स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन गोविंद है और कोई नहीं है। इसीलिए इस अद्वैत को हम स्वीकार करते हैं। गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस अद्वैत को स्वीकार करते हैं और हम उनकी उन आचार्यों के अनुयायी भी ऐसी ही बात को मानते हैं। तो अब प्रश्न उठा कि ये यदि सही अर्थघटन है अहम एवासम एवाग्रे न भगवान उस दृष्टि से कह रहे हैं कि चूंकि तत्व एक ही है इसीलिए मैं ही एकमात्र तत्व हूं तीनों अवस्थाओं में। लेकिन यहां पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्री भगवान जीव शक्ति माया शक्ति अंतरंगा शक्ति इन सभी की सत्ता का निषेध कर रहा है। ये फिर अद्वैत वेदांत वाला अर्थघटन हो जाएगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एकमात्र निर्गुण ब्रह्म सत्य है और कुछ नहीं है उसके अतिरिक्त। तो इसीलिए ये जो कहा गया कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सदसत् परम पश्चादहम् यदे तच्च योऽवशिष्ये तसोऽस्म्यहम्। और फिर क्या कहते हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चाचार्य। परमात्मा के बिना जो सत्य प्रतीत होता है वो वास्तव में सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। और जो वास्तव में सत्य प्रतीत होता है वह परमात्मा को छोड़कर और कुछ नहीं, यही तो अर्थ है ना उसका। ऋत्य अर्थम यत् प्रतीयेत, तो इसका क्या अर्थ निकाले? इसका अर्थ ये निकाले कि चूंकि सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है, तीनों प्रकार की शक्तियां भगवान के ऊपर आश्रित है, यहां तक कि उनके अपने जो स्वांश है राम नरसिंह आदि वो भी उनके ऊपर आश्रित है स्वयं भगवान के ऊपर। इन कारणों से श्री भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से यदि कुछ प्रतीत होता है तो वो वास्तविक नहीं है, ये भगवान यहां पर कहना चाहते हैं। और मायावादी क्या कहते हैं कि देखो निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं वास्तव में, इसलिए निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर और कुछ भी यदि दिख रहा है तो वो वास्तविक सत्य नहीं है, वो सब कुछ मिथ्या है। यहां पर उनका ऐसा अर्थघटन लगा, हमारा ऐसा लगा। ऋत्य अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यालात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वहां फिर ये कहा गया कि श्री भगवान को छोड़कर यदि और कुछ प्रतीत होता भी है अखंड तत्व को छोड़कर, दो चार पांच तत्व यदि प्रतीत होते हैं यहां पर, तो इसको क्या मानना चाहिए? इसको श्री भगवान की माया शक्ति का चमत्कार मानना चाहिए। तो वास्तव में यदि देखें तो श्री शंकराचार्य ही द्वैतवादी हैं, वैष्णव अद्वैतवादी हैं, गौड़ीय वैष्णव तो खास करके अद्वैतवादी हैं, क्योंकि जैसे हमने सिद्ध किया हम गौड़ीय वैष्णव एक ही स्वतंत्र तत्व को मानते हैं, अन्य समस्त स्वतंत्र तत्व के अधीन होने के कारण उससे पृथक नहीं है प्रकारांतर से। तो वैष्णव ही वास्तविक अद्वैतवादी है। वी आर विद गौड़ीय वैष्णवस फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, वी आर द फैक्चुअल मोनिस्ट्स, व्हेयर द शंकराइट्स आर ड्यूअलिस्ट्स। शंकर अद्वैतवादी वास्तव में द्वैतवादी है, कैसे? क्योंकि आचार्य शंकर दो मूलभूत भूतों को स्वीकार करके अपने सिद्धांत को खड़ा कर रहे हैं, वो है माया और ब्रह्म, और दोनों पृथक हैं एक दूसरे से, माया और ब्रह्म। और माया को कैसा कहा कि जो अनिर्वचनीय है, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं हो सकती। ब्रह्म भी कैसा है? वो भी अनिर्वचनीय है, वो भी वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। तो माया का लक्षण क्या बताया? वो कहते हैं कि माया सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, सत्य असत्य का मिश्रण भी नहीं है, सत्य असत्य दोनों के मिश्रण से परा जो चौथा पदार्थ है वो भी नहीं है, वो तो वाणी की पहुंच से बाहर है, ऐसा कहते उसकी छुटकी करी। यानी अंत में माया को भी शून्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि शून्य पदार्थ ही ऐसा होता है जो वर्णन के बाहर होता है,
जिसकी सत्ता ही नहीं है, तो बोला आप उसका वर्णन क्या करेंगे। इसलिए माया को अनिर्वचन के कहने के पीछे भी राज यही है कि उसको शुद्धि बता रहे हैं। इधर ब्रह्म का भी लक्षण ऐसा विचित्र कर रहे हैं कि ब्रह्म का भी लक्षण से यही लगता है कि वो मानव यही कहना चाहते हैं कि ब्रह्म भी शून्य है, क्योंकि शून्य पदार्थ का ही वास्तव में वर्णन नहीं हो सकता। अभी प्रश्न उठा कि नहीं भगवत तत्व तो उसका भी वर्णन तो नहीं हो सकता सम्यक प्रकार से, वो भी तो अचिंत्य है, अनंत है। हाँ, भगवत तत्व तो अचिंत्य है, अनंत तो है, परंतु उसका कुछ कुछ वर्णन तो हो सकता है, ऐसा मध्वाचार्य स्वीकार करते हैं। यदि भगवत तत्व का, परब्रह्म तत्व का यदि किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं हो सकता हो, तो फिर वेदादि शास्त्रों का जो प्रवर्तन है वही निष्फल, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर तो ब्रह्म के बारे में जानकारी निष्फल हो जाती है यदि ब्रह्म वर्णन का विषय ही नहीं है। हाँ, वर्णन का विषय तो है, लेकिन सर्वांश में उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अनंत शेष भी सहस्त्रों सहस्त्रों मुखों से अनंत काल से उसका वर्णन करते आ रहे हैं, फिर भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए विभू पदार्थ होने के कारण उसका वर्णन कभी पूरा नहीं कर सकता सर्वांश, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वह वर्णन से परे है। वर्णन से परे ब्रह्म और माया दोनों को बता देना वो तो केवल शून्य पदार्थ के वर्णन के परे होता है, क्योंकि शून्य पदार्थ का जब अस्तित्व ही नहीं है तो भला उसका वर्णन कैसे करेंगे। न्याय वैशेषिक दर्शनों के आधार पर किसी भी सत्तावान पदार्थ का, सत्तावान पदार्थ को वस्तु कहेंगे, जिसकी सत्ता हो उसको वस्तु कहेंगे। वेद्यं वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, यहाँ पर भागवत में जो वस्तु स्वीकार की गई वो अद्वैत वेदांतियों का न ब्रह्म है न उनकी माया है, क्योंकि दोनों ही शून्य है प्रच्छन्न बौद्ध मत होने के कारण। यहाँ पर जो वस्तु स्वीकार की गई उसकी वास्तव सत्ता है, और किसी पदार्थ की वास्तव सत्ता कब मानी जाती है, जब उसमें नाम रूप गुण तथा क्रिया हो। न्याय वैशेषिक दर्शन के आधार पर, न्याय वैशेषिक दर्शन कहता है कि कोई भी पदार्थ जिसकी सत्ता है वो सत्तावान तभी माना जाएगा जब उसमें नाम हो, रूप हो, गुण हो, क्रिया हो, जाति हो, समवाय हो, ये सभी वहां पर माने गए लक्षण न्याय में वैशेषिक। और इसके ठीक विरुद्ध में बौद्ध और शंकर अद्वैतवाद चलता है। इसीलिए तो सबसे बड़ा जो संघर्ष है शंकर अद्वैतवाद की विचारधारा के खिलाफ, वो नैयायिकों ने किया, वैष्णवों ने तो किया है, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने नैयायिक प्रणाली का आश्रय लेकर किया। जिस प्रकार से जो हमारी गुरु परंपरा में मध्व संप्रदाय के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, श्री व्यास तीर्थ, व्यासराज जिसको कहते हैं ऐतिहासिक मध्व परंपरा में 16वीं शताब्दी, तो एक और जो है उस समय भारत का सनातन धर्म का जो आध्यात्मिक जो क्षितिज था, जो मगन था, उसमें घमासान युद्ध चल रहा था, और इसमें दो दबंग लोग, एक सिंह था जो उत्तर भारत के काशी से चिंगारता था, उसका नाम था शंकरद्वैतवाद का प्रधान ऐतिहासिक स्तंभ परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती, और एक जो है सिंह था जो दक्षिण के कर्नाटक से हुंकार भरता था, और ये दोनों युवराज भिड़े हुए और सनातन धर्म में जो है समुद्र मंथन चल रहा था, दोनों असुर और देव मंथन कर रहे थे, और एक और हमारे श्री व्यासतीर्थ न्यायामृत का न्यायामृत लिखा, न्यायिक प्रणाली के आधार पर अद्वैत वेदांत को हराया, और दूसरी ओर मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि का निर्माण करके न्यायामृत के एक एक आक्षेप का समाधान दिया। फिर क्या हुआ, व्यासतीर्थ ने अपने शिष्य रामाचार्य को भेजा मधुसूदन सरस्वती से अद्वैत वेदांत की शिक्षा लेने के लिए। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी अद्वैत सिद्धि को पढ़ाया, अध्ययन करवाया उसका रामाचार्य को। जब गुरु दक्षिणा लेने का समय आया, क्योंकि रामाचार्य ने यह प्रकाशित नहीं किया था कि मैं व्यासतीर्थ के द्वारा भेजा गया हूं, तो जब गुरु दक्षिणा लेने का समय आया तो क्या हुआ कि श्री रामाचार्य ने तरंगिणी नामक जो उन्होंने व्याख्या तैयार की अद्वैत सिद्धि और न्यायामृत के ऊपर, उसमें उन्होंने अद्वैत सिद्धि के समस्त न्यायामृत के ऊपर किए गए अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती के समस्त आक्षेपों को उन्होंने खंडित कर दिया रामाचार्य ने, और गुरु दक्षिणा के समय वो ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती को दिया। और मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि मुझे गर्व है कि आज मेरा ही शिष्य मेरा खंडन कर रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि मध्य वालों की चाल है,
क्योंकि शंकर और मध्व के बीच बीच में जितना पार्थक्य है उतना और किसी वैष्णव संप्रदाय ने उतना लोहा और उतना जो है वो विरोध नहीं माना है। ये द्वैत वाले हैं, वो अद्वैत वाले हैं, 360 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक लेकिन दूर आपस में यदि देखने जाए तो क्षेत्र की दृष्टि से इतनी दूरी नहीं है, क्योंकि दक्षिण आफ्रिका श्रृंगेरी मठ और उडुपी ये दोनों के बीच में जो केवल 45 या 50 किलोमीटर का ही लगभग अंतर है। इतने पास पास होने पर भी दोनों की विचारधाराओं के जो ध्रुव है वो एकदम अलग अलग है। एक उत्तर भारत से चिंगारता था, एक दक्षिण से चिंगारता था, दोनों यतिराज्य भिड़े तब जो है सनातन धर्म में, और वो शांत नहीं हुआ इतनी जल्दी। गौड़ ब्रह्मानंदी टीकाकार 18वीं शताब्दी के तब भी शांत नहीं हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य में जाकर ये शांत हुआ संघर्ष। अद्वैत सिद्धि के ऊपर 16 टीकाएं लिखी गई, न्यायामृत के ऊपर 20 टीकाएं लिखी गई, तब जाके 50 साल पहले संघर्ष विराम को प्राप्त हुआ। अंतिम टीका जो मध्य संप्रदाय की, उसके बाद अद्वैत वेदांतियों का हिम्मत नहीं हुआ उस संघर्ष को आगे चालू रखे। 450 साल तक एक ग्रंथ के ऊपर कोहराम मचा, न्यायामृत का खंडन, फिर उसका खंडन अद्वैत सिद्धि का, फिर उसका फिर जो उसके ऊपर टीका लिखी जाए उसका खंडन, फिर इसके ऊपर टीका। इस तरह से दोनों संप्रदायों के बीच में 450 वर्ष तक युद्ध हुआ और अंत में जो है मध्व वाले ही जय को प्राप्त हुए। इसीलिए 20 टीकाएं इनके ऊपर लिखी गई न्यायामृत के ऊपर, और करीब उतनी ही 18-20 टीकाएं जो है अद्वैत सिद्धि के ऊपर लिखी गई, और अंतिम टीका जो है मध्व वाले की, उसके बाद उनका साहस ही नहीं है शंकर मतावलंबियों का कि और अधिक खंडन हम करें, वो भी थक चुके थे। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि आभास विरोध जो शंकर द्वैतवाद है वो तो वास्तव में द्वैतवादी है, क्योंकि वो तो माया और ब्रह्म दो पृथक पदार्थों को स्वीकार करता है, और वास्तव में तो वो शून्यवादी है, क्योंकि वो जिस प्रकार से लक्षण निरूपण करता है माया ब्रह्म आदियों का, वो शून्य का ही लक्षण है। जो बौद्ध जिस प्रकार से शून्य को परिभाषित करते हैं, कमोवेश पारिभाषिक शब्द यहाँ पर बदल दिए हैं शंकराचार्य ने, पारिभाषिक शब्द वेदों के लिए लिए हैं, लेकिन बात वही कहना चाहते हैं बौद्ध और जैन दर्शन वाले, इसलिए प्रच्छन्न बौद्ध है। तो वास्तव में देखने जाए तो शंकर भगवत पाद ही और उनके जो अनुयायी और उनका जो सिद्धांत है वही द्वैतवादी है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो माया से सर्वथा पृथक तत्व है। लेकिन माया जब उस निर्गुण ब्रह्म को प्रभावित करती है तभी उसको राम कृष्ण आदि ईश्वरों के रूप में, तभी उसको जीवात्माओं के रूप में, और तभी उसको जड़ भूतों के रूप में, इन तीनों रूपों में प्रकट करती है। जब माया की सात्विक सत्ता निर्गुण ब्रह्म को प्रभावित करती है, प्रतिबिंबित और परिच्छेद करती है, तो प्रतिबिंबवाद और परिच्छेदवाद के द्वारा वही जो निर्गुण ब्रह्म है वह राम कृष्णादि रूपों में प्रकट हो जाता है, संगुण उपाधिक निर्गुण निरुपाधिक से अलग। और वही जो ब्रह्म है जब राजसिक सत्ता के द्वारा आक्रांत होता है तो हम जैसे चेतन जीव भूत समुदाय के रूप में परिणत ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वही निर्गुण ब्रह्म का एक टुकड़ा जब तामसिक उपाधि के द्वारा ग्रस्त होता है, when it is limited by the limiting adjunct of the mode of ignorance of material nature, then that same impersonal Brahman transforms itself into the gross manifest material world. कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर वैष्णव ही एकमात्र शुद्ध अद्वैतवादी है, इसलिए वल्लभाचार्य है तो अपने सिद्धांत का नाम भी शुद्ध अद्वैतवाद रखा है। माया की सहायता से यहाँ पर अद्वैतवाद को हमने सिद्ध नहीं किया आचार्य शंकर की भांति, यहाँ पर जो है शुद्ध अद्वैतवाद। तो आभासश्च निरोधश्च, आभास किसे कहते, यथा भासो यथा तमः तद विद्याद आत्मनो मायां यथा भासो, ब्रह्म को छोड़कर यदि और कुछ भी प्रतीत होता है तो वो आभास है और वो तमोगुण है, अंधकार। ब्रह्म ही एकमात्र खंड तत्व है, और ये बात हमने अक्षरशः स्वीकार कर ली। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, उस प्रकार से, और फिर एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात् पुनः, उस प्रकार से चार श्लोकों में भगवान ने ज्ञानम रहस्यम यद् गुह्यं मे यद् ज्ञान समन्वितम गृहाण गदितं मया, ये जो चतुश्लोकी भागवत की पूरी होती है, इन हमारे जो कान के श्लोक थे वो ये प्रथम दो ही थे,
तो यहाँ पर जो आभास का वर्णन हुआ है, क्या ये यही आभास है जिसका चतुश्लोकी भागवत का द्वितीय श्लोक वर्णन कर रहा है, तद्विद्याद आत्मनो मायाम यथाभासो यथात्मा। यहाँ पर आभास किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? वहां पर तो माया के द्वारा कृत जो विकार है उसको आभास कहा गया, यहां पर आभास किसे कहा गया? आभास का तात्पर्य यहां पर है कि जिसकी सत्ता किसी मूल पदार्थ की सत्ता के ऊपर आश्रित हो, वह जो आश्रित पदार्थ है वो आभास माना जाएगा, आश्रित पदार्थ आभास माना जाएगा। जैसे बिंब और प्रतिबिंब के बीच का जो संबंध है, जो बिंब है वही यदि ना हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? यदि कोई पदार्थ ही ना हो तो उसकी जो छाया है वह कैसे हो सकती है? क्योंकि छाया जो है मूल पदार्थ से संबंधित है, प्रतिबिंब भी जो है अपने मूल पदार्थ बिंब से संबंधित है, उसके ऊपर आश्रित है, उसी प्रकार से छाया भी अपने मूल पदार्थ के ऊपर आश्रित है, तथैव जो भौतिक जगत है वह श्री भगवान के ऊपर आश्रित है। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि अस्तम् वेदस वेदवेत्। श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जिस प्रकार से तालाब के सरोवर के जल में, जल के बाहर किनारे पर स्थित जो वृक्ष है उसकी जिस प्रकार से छाया पड़ती है वृक्ष के जल में, तो वो छाया जिस प्रकार से वृक्ष के किनारे स्थित मूल वृक्ष के ऊपर आधारित है, ठीक उसी प्रकार से जो भौतिक जगत है वह श्री भगवान के ऊपर आश्रित है, आधारित है, श्री भगवान ही इसका मूल है, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो भौतिक जगत का जो दृश्यमान रूप है वो आभास है, वो श्री भगवान के ऊपर तथा उनका उनकी जो आध्यात्मिक सृष्टि है, प्रपंचातीत सृष्टि है, उसके ऊपर ये आश्रित है। क्योंकि प्रपंचातीत सृष्टि में भी जो जो भाव है, जो जो पदार्थ है, वही वही भाव, वही वही पदार्थ विकृत रूप में इस भौतिक जगत में भी देखने को मिलते हैं, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। इसीलिए समस्त जो भौतिक जगत है, खास करके जो सृष्ट जगत है, वो उसके ओरिजिनल काउंटर पार्ट, उसके मूल बिंब स्वरूप आध्यात्मिक जगत और परमात्मा भगवान के ऊपर आधारित है, आश्रित है, टिका हुआ है, तभी इसको आभास माना गया है। आभासश्च निरोधश्च, तो सृष्टि तथा उसका विलीनीकरण, डिसोल्यूशन एंड क्रिएशन, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन विच दैट ऑब्जेक्ट इज रादर नोन एज आश्रय और द शेल्टर और द समम बोनम और द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल कैटेगरीज प्रीवियसली मेंशन्ड एंड विच आर नाइनफोल्ड इन नंबर। जो नवधा श्रेणियां हैं पूर्व में वर्णित, उन समस्त का आश्रय दशम पदार्थ, आश्रय यानी परमात्मा श्री भगवान स्वयं है। फिर कहते हैं कि यो अभी आश्रय तत्व की एक थोड़ी सी भिन्न परिभाषा को भी दे रहे हैं, यो आध्यात्मिको यम पुरुषः सो असाव आदि दैविकः यस तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो व्याधि भौतिकः। तीन प्रकार के पुरुषों की यहाँ पर चर्चा। अब देखिए वेद जो है, उपनिषद जो है, तैतरीय उपनिषद, वो तो पांच प्रकार के पुरुषों की चर्चा करता है। सबसे पहले अन्नमय पुरुष की चर्चा करता है, अन्नमय पुरुष से परे प्राण, अन्नमय पुरुष से परे जो मनोमय पुरुष है उसकी चर्चा करता है, मनोमय पुरुष से परे प्राणमय, प्राणमय उसके बाद विज्ञानमय, उसके बाद आनंदमय, इस प्रकार से कमोबेश पांच प्रकार के पुरुषों की वहां पर चर्चा हुई है। लेकिन यहां पर तीन प्रकार के पुरुषों की चर्चा है, उसमें सबसे पहले आध्यात्मिक पुरुष, आदि दैविक पुरुष और आदि भौतिक पुरुष। तो आध्यात्मिक पुरुष किसे कहेंगे? आध्यात्मिक पुरुष कहेंगे जीवात्मा को, जो शरीरी है, देही है, शरीर के अंदर स्थित है। आदि दैविक पुरुष किसे कहेंगे? आदि दैविक पुरुष कहेंगे जीवात्मा की इंद्रियों में अधिष्ठान करने वाले, जो प्रत्येक इंद्रिय के जो भिन्न भिन्न अधिष्ठात्री देव हैं, जैसे उपस्थ के और पायु के मित्रावरण है, जिस प्रकार के हस्त के इंद्र हैं, जिस प्रकार से पाद के विष्णु हैं और नेत्रों के सूर्य हैं, चंद्रमा है और सूर्य है, तो ये जितने भी हैं, मन के भी चंद्रमा माने गए हैं, अहंकार के रुद्र माने गए हैं, इस प्रकार
से जितने भी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म शरीर की जो चार सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उन समस्त के जितने भी अधिष्ठात्री देव हैं, उनको आदि दैविक पुरुष कहा जाएगा। लेकिन ये जो आदि दैविक पुरुष है, यहाँ पर जिस विष्णु का वर्णन है वो विष्णु नहीं है। क्यों? क्योंकि महत्त्व के सात्विक विकार से ही विष्णु उत्पन्न होता है। ये कोई वो तीन प्रकार का परमात्मा श्रेणी वाला विष्णु नहीं है, ये जो विशुद्ध सत्वमय है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि श्रेयांसी सत्व तनोर नृणाम स्यु। श्रीमद् भागवत कहता है ना कि जो भगवान विष्णु है, जो सत्व तनु है, विशुद्ध सत्व तनु है, उसी से जीवात्माओं को परम कल्याण की, परम श्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। श्रेयांसी सत्व तनोर नृणाम स्यु सत्वम विशुद्धम क्षेमाय भगवंतम अभोक्षजम। विशुद्ध सत्वमय है भगवान। और सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यत्कुमार बाबृतम चतुर्थ स्कंद का रुद्र गीत वाला प्रसंग। ये जो भगवान श्री हरि है तो विशुद्ध सत्वमय है। हरि ही निर्गुण है, साक्षात पुरुषः प्रकृते है, पर ये तो साक्षात निर्गुण है। तो लेकिन ये जो विष्णु प्रकट होते हैं, विष्णु नहीं, जितने भी ये देवता है इंद्र रुद्र आदि, ये तो समस्त वैकारिक अहंकार से, यानी जो सात्विक अहंकार है महत्त्व का, उससे प्रकट माने गए हैं। तो सात्विक अहंकार से प्रकट होने वाले ये जो देवता है, ये विष्णु वो वाला विष्णु नहीं है। ये देवता की श्रेणी में आने वाला एक रूप है। यस, बट दिस इज नॉट दैट विष्णु एट ऑल। ये केवल नाम ऐसा रख दिया उस देवता का विष्णु। जिस प्रकार से जो यहाँ पे हम एक दूसरा दृष्टांत दे सकते हैं, रिवर्स एग्जांपल कैन बी गिवन। हाँ, जिस प्रकार से जो सदाशिव है, विष्णु का भी एक रूप है सदाशिव, लेकिन सामान्यतया लोग ये समझ लेते हैं कि सदाशिव का तात्पर्य शंकर है, पंचमुखी या एकमुखी या जो भी है। सदाशिव का तात्पर्य जो है शंकर है, ऐसा सामान्यतया जो लोग हैं वो समझ लेते हैं। परंतु सदाशिव विष्णु के लिए भी सदाशिव शब्द का प्रयोग किया गया है, और विष्णु के 24 रूपों में से तो एक रूप भी है सदाशिव नाम वाला। और वो सदाशिव तो जो है कंचनखंड पाणे है, वो तो शंख चक्र गदा पद्मधारी है, उसका तो शिव के साथ कुछ लेना देना ही नहीं, फिर भी नाम सदाशिव है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो विष्णु नाम है वो भगवान विष्णु नहीं है, वह देवता का नाम है। क्योंकि ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न है। समस्त जो इंद्र मित्र वरुण विष्णु सूर्य चंद्रमा आदि जो देवता, ये समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री माने गए, वो यहाँ पर प्राकृत भौतिक सत्वगुण से उत्पन्न माने गए हैं। तो ये कैसे जो है तीनों गुणों से परे विष्णु हो सकता है? इसीलिए सिद्धांत की दृष्टि से इसको इस बात को स्वीकारा गया कि यहाँ पर जितने भी देवताओं का वर्णन है वो प्राकृत देवता है, ये विशुद्ध सत्व में विष्णु का यहाँ पर परिगणन नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य, और यदि यहाँ पर विशुद्ध सत्व में विष्णु का ही परिगणन होता तो विष्णु को पाद इंद्रिय का अधिष्ठाता क्यों बनाया जाता? सबसे निकम्मा स्थान तो विष्णु को दिया गया अधिष्ठान के लिए, पाद हस्त इंद्र को दिया गया। आधार तो वो प्राकृत देवताओं में जो विष्णु है वो तो आधार है, लेकिन यदि हम विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की बात करें तो उनको पाद नामक स्थान देना ये उनका अपमान है। क्यों क्यों अपमान है? क्योंकि एक दृष्टि से यदि आप देखें तो मुख बाहु उपाधि, जो कहा गया कि जो ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव मुख से हुआ, क्षत्रियों का बाहु राजन्य कृत पुरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्र अजायत, पुरुष सूक्त में जो कहा गया कि ब्राह्मणों से मुखम आसीन बाहु राजन्य कृत, कि बाहु से क्षत्रिय और वैश्य जो है कटी और उदर भाग से शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए। तो पैर को वास्तव में आधारभूत की दृष्टि से ठीक है, लेकिन फिर वो आधारभूत वाला जो है विशुद्ध सत्व में श्री हरि के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि विशुद्ध सत्व में श्री हरि का स्थान तो यदि आधारभूत पैर को मानते हैं तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान तो मन बुद्धि अहंकार वाला है। तो मन बुद्धि अहंकार में भी मन का अधिष्ठात्री कौन माना गया? चंद्रमा। बुद्धि का अधिष्ठात्री कौन माना गया? सूर्य। नेत्र का भी सूर्य और बुद्धि का भी सूर्य माना गया। ब्रह्मा को भी कहीं कहीं माना जाता है, यहाँ पे भी कई मतभेद है प्रकारांतर से। और अहंकार का अधिष्ठाता रुद्र को माना गया, लेकिन यहाँ पर जो रुद्र है, यहाँ पर जो सूर्य है, ये सभी प्राकृत देव है। इसीलिए तो पुनः ये कहना पड़ा कि मन के वास्तविक अधिष्ठाता कौन है? प्रद्युम्न।
मुक्ति के वास्तविक अधिष्ठाता है अनिरुद्ध, अहंकार के वास्तविक अधिष्ठाता है संकर्षण, और चित्त के वास्तविक अधिष्ठाता है वासुदेव। तो वासुदेव संकर्षण वास्तविक अधिष्ठाता है किसके? अहंकार के। और उसके नीचे रुद्र बैठा हुआ है संकर्षण के नीचे। तो जो रुद्र है वो यहां पर वैकारिक अहंकार से उत्पन्न ये सभी माने गए हैं। ये रुद्र वो वाला नहीं है जो तामसिक ग्यारह रुद्र है, ये भी इसमें भी थोड़ा अंतर है। वो जो तामसिक ग्यारह रुद्र है नील लोहित आदि जो तंडर करके प्रलय को संपन्न करते हैं वो तो तमोगुण से उत्पन्न है। ये रुद्र तमोगुण से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि ये बताया गया कि जितने भी सूक्ष्म तथा स्थूल इंद्रियों के जितने भी अधिष्ठात्री देव है वो वैकारिक यानी सात्विक अहंकार से उत्पन्न है। सात्विक अहंकार से उत्पन्न तामसिक रुद्र कैसे हो सकता है? इसलिए तामसिक ज्ञान और रुद्र अलग है, और ये जो अहंकार का अधिष्ठात्री जो रुद्र है जो वैकारिक अहंकार सात्विक अहंकार से उत्पन्न ये भी अलग है, और इस सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाले रुद्र की ऊपर बैठा हुआ जो संकर्षण है वो भी अलग है। संकर्षण क्या है? शुद्ध सत्वमय, उसके नीचे रुद्र अपॉइंटेड है सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाले, और उसके नीचे फिर मन है। उसी प्रकार से समस्त इंद्रियों को आप जानिए, पाद जो है विष्णु के ऊपर वो विष्णु प्राकृत है, सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाला वो विष्णु है। और फिर इस समस्त इंद्रियों के संबंध में ऐसा जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा, ब्रह्मा किसका है? ब्रह्मा मन का है, नहीं बुद्धि का है, चंद्रमा मन का है, चंद्रमा मन का है। चंद्रमा क्या है? वैकारिक सात्विक अहंकार से उत्पन्न है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर कौन बैठा हुआ है? भगवान प्रद्युम्न बैठे हुए हैं जो विशुद्ध सत्वमय है। इसी को गड़बड़ा दिया शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने सभी को एक कर दिया कि देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि संकर्षण भी जो है भौतिक सत्वगुण की अभिव्यक्ति है, अनिरुद्ध भी भौतिक सत्वगुण की अभिव्यक्ति है, वासुदेव भी भौतिक सत्वगुण की अभिव्यक्ति है, और प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये समस्त चतुर्भुज भौतिक सत्वगुण से उत्पन्न है। इसी बात पे श्री रामानुज भगवत पाद टकरा गए शंकराचार्य से ब्रह्म सूत्र के कतिपय सूत्रों का भाष्य लिखते समय। पंचरात्राधिकरणम ब्रह्म सूत्र का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में जो पंचरात्राधिकरणम है उसमें समस्त वैष्णवाचार्य शंकराचार्य से टकरा गए यहाँ पर कि हम ऐसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि चतुर्व्यूह जो है भौतिक सत्वगुण से उत्पन्न है, ये हमारा सिद्धांत नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो विष्णु पादेन्द्रिय के अधिष्ठाती हैं वो वो वाले विशुद्ध सत्व वाले विष्णु नहीं है। यहाँ पे जिन डीटीज का वर्णन है कि बुद्धि के जो है ब्रह्मा, मन के चंद्रमा, अहंकार के रुद्र, पाद के विष्णु, हस्त के इंद्र, ये सभी प्राकृतिक देवताओं का यहाँ पर वर्णन है, उनके ऊपर जो है चतुर्व्यूह बैठे हुए हैं इन सभी के ऊपर जो विशुद्ध सत्व है। तो ये यहाँ पर इसका तात्पर्य मान लेना चाहिए। देखिए वहां पे तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें कही गई क्योंकि मटेरियल फॉर्म से, तो ये तो भौतिक रूपी की तो चर्चा, और वही वही जो आदित्य नाम हम विष्णु है उसी विष्णु को तो यहाँ पाद इंद्रिय का अधिष्ठात्री माना गया है। उपेंद्र लेकिन देखिए इसमें ऐसा है कि जो भगवान वामन देव है जो उपेंद्र है वो विशुद्ध सत्वमय है, और कल्प भेद से यहां पर भी फिर कल्प भेद लगता है। समस्त कल्प में जो उपेंद्र है जो भगवान वामन देव है वो आदित्य में नहीं आते हैं। देखिए ऐसा है, समस्त आदित्यों में जो विष्णु आता है, विष्णु तो हर बार आएंगे, लेकिन हर बार के जो विष्णु है वो उपेंद्र नहीं है, वामन देव नहीं है। जिस प्रकार से हर बार के जो व्यास है वो भगवान नारायण नहीं होते, ये सब यहाँ पर समझना पड़ेगा, कल्प भेद भी यहाँ पर लगता है। इसीलिए सामान्यतया ये माना जाता है कि आदित्यों के भीतर जो विष्णु है वो प्राकृत विष्णु का वर्णन है, और वही प्राकृत विष्णु जो है पादेन्द्रिय का आदेश खाता है, और इन समस्त के ऊपर जो है चतुर्व्यूह विराजित है जो विशुद्ध सत्वमय है। और यहां पर वामन देव को, उपेंद्र को जब विष्णु कहा गया, त्रिविक्रम को जब यहां पर विष्णु माना गया, तो ये एक विशेष कष्ट की बात है। ये सामान्यतया हर समय ये बात लागू नहीं पड़ रही,
तो यहाँ पर हमारे प्रसंग में, हमारे संदर्भ में जो विष्णु यहाँ पर पादेन्द्रिय के निष्ठाता है, वो निश्चित ही विशुद्ध सत्वमय विष्णु नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि होते तो यहाँ पर भागवत का जो द्वितीय तृतीय स्कंद का जो वर्णन है सृष्टि का, उस समय ये कहना, और यहाँ द्वितीय स्कंद में ये सब सर्व विसर्ग के वर्णन में भी ये जो कहना कि भूत मात्र इंद्रिय ध्याम जन्म सर्ग उदाहरता, ये समस्त जो है सात्विक अहंकार से उत्पन्न, सात्विक अहंकार से तो अधिष्ठात्री देव उत्पन्न होते हैं। यदि विशुद्ध स्वत्व में विष्णु यहाँ पर परिगणित होते तो वो बात नहीं संगत बैठते। इसलिए ये सबको देखते हुए यहाँ पर ये अंतिम निष्कर्ष निकलता है। तो यो आध्यात्मिको यम पुरुष, और फिर यहाँ इस श्लोक से भी ये पता चलता है कि यदि आधिदैविक विष्णु ही, आधिदैविक विष्णु का तात्पर्य है पादेन्द्रिय का अधिष्ठाता प्राकृत विष्णु, मंडेन विष्णु, यदि यहाँ पर आधिदैविक विष्णु ही परमात्मा है, तो फिर परमात्मा को इन तीनों पुरुषों से अलग करने की यहाँ पर नौबत नहीं आती। अगले श्लोक में परमात्मा को इन तीनों से अलग बताया गया है, और उसी परमात्मा को फिर आश्रय बताते हैं इन तीनों पुरुषों का। देखिए तो सही, यस तत्रो भय यो आध्यात्मिको यम पुरुष सोसाव आधिदैविक, ये जो आदि भौतिक पुरुष है वो तो आध्यात्मिक जो पुरुष है वो जीवात्मा है, आधिदैविक पुरुष कौन है, समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, जो कि भौतिक सतोगुण के विकार है, जिसमें विष्णु भी आ गए, इंद्र भी आ गए, रुद्र भी आ गए, सभी जिसमें आ गए, मित्रा वरुण भी आ गए आदि आदि। यस तत्रो भय विच्छेद पुरुषो व्याधि भौतिक, और आधिदैविक पुरुष यानी जीवात्मा, आधि आध्यात्मिक पुरुष अर्थात जीवात्मा, आधिदैविक पुरुष यानी ये समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, इन दोनों से पृथक एक तीसरा पुरुष है जो सबसे निकम्मा है और जिसको आदि भौतिक पुरुष कहा जाता है, और वह है यह जड़ शरीर पंच महाभूतों से बना। फिर कहते हैं कि एक मेक तरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयम् तत्र यो वेदसः आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। अगले श्लोक में कहा गया कि अब इन तीन पुरुषों में क्या होता है कि यदि एक का भी अभाव हो जाए, इन तीनों में से एक का भी यदि अभाव हो जाए तो अन्य दो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। कैसे? यदि आध्यात्मिक पुरुष यानी जीवात्मा का अभाव हो जाए तो जो आधिदैविक पुरुष है वो निष्क्रिय बन जाएगा, और जो आदि भौतिक पुरुष है शरीर वो भी निष्क्रिय बन जाएगा। यदि आध्यात्मिक पुरुष जीवात्मा है और भौतिक शरीर आदि भौतिक पुरुष है लेकिन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता नहीं है तो भी जो है निष्क्रिय हो जाएगी सत्ता, क्योंकि इंद्रियां जो है सक्रिय नहीं बन रह पाएंगी बिना अधिष्ठात्री देवों के, आधिदैविक पुरुषों के वहां पर योग के, इंद्रियां भी जो है अपने अपने कार्य में निष्क्रिय हो जाएंगी, मन बुद्धि अहंकार सभी जो है टर्न ऑफ होकर बंद हो जाएंगे, उपलब्धि नहीं हो सकती। उसके पश्चात यदि आदि भौतिक पुरुष ही ना रहे जड़ शरीर तो क्या होगा? आदि दैविक पुरुष कहां पर बैठेंगे? ऑफिस को चाहिए ना बैठने के लिए, तो आदि दैविक पुरुष और आध्यात्मिक पुरुष बैठेंगे ही कहां पर? उनका अधिष्ठान ही खत्म हो जाएगा बैठने का। इसीलिए तीनों को परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता है। इसमें तो श्री जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में बड़ी विशद व्याख्या करते हैं, यस तत्रो भय विच्छेद पुरुषो व्याधि भौतिक, तीनों परस्पर एक दूसरे से पृथक है और तीनों एक दूसरे के ऊपर पृथक होते हुए एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन एक चौथा तत्व है परमात्मा, तुरीय तत्व जिसको कहते हैं, जो इन सबसे विशुद्ध है, और वो क्या है कि उसको इन तीनों की आवश्यकता नहीं रहती परंतु इन तीनों को ही उसकी आवश्यकता रहती है। बिना परमात्मा के प्रवेश के जो जीवात्मा है आध्यात्मिक पुरुष वो भी फंक्शनलेस निष्क्रिय हो जाता है। नोदतिष्ठत् तदा विराट, वो श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में कहा गया 15-20 श्लोक आ रहे हैं कि जब तक परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया तब तक ये विराट पुरुष जगा था। हाँ, पुरुषोत्तम का वर्णन है,
ब्रह्मवादी में समर्थन पूर्वक प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न उठा सकते हैं कि ये जो परमात्मा पुरुष है ये वो निराकार ब्रह्म है जो कि भौतिक शास्त्रीय अहंकार से नहीं आते, ये भौतिक शास्त्रीय अहंकार से सारे जो देवता आते हैं जिसमें विष्णु ब्रह्मा महेश्वर शामिल है, इसके परे कोई सत्ता जो है वो निराकार ब्रह्म ही है। कोई यदि ऐसा पूर्व पक्ष वो लोग यहाँ पर खड़ा करते हैं तो यदि वो निर्गुण ब्रह्म को यहाँ पर मानते हैं तो निर्गुण ब्रह्म भी श्याम सुंदर के ऊपर आश्रित है, वो भी भागवत के द्वारा ही सिद्ध होता है, क्योंकि भागवत में कहा गया है कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। सनातन पूर्ण ब्रह्म वही है जो नंद यशोदा के आंगन में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, तो वो तो साकार ब्रह्म हो गया, फिर वो तो निर्गुण ब्रह्म नहीं रहा। और फिर दूसरी बात, ब्रह्म की परमात्मा की भगवान की शक्यते, ये तीनों ही जिस अद्वैज्ञान तत्व की अवस्थाएं हैं वो अद्वैज्ञान तत्व श्री श्याम सुंदर का अर्थ है विवेचना के पश्चात। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी, और ये जो विष्णु आदि देवताओं की बात है ये तो प्राकृत देव है, ये विशुद्ध सत्व वाले विष्णु है ही नहीं, इसीलिए और हम जिसको परमात्मा मानते हैं वो तो विशुद्ध सत्वमय विष्णु है, ये भी तो एक अंतर है ना। हम जिसे परमात्मा बता रहे हैं सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह, भागवत के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय, ये तो विशुद्ध सत्वमय विष्णु की यहाँ पर बात हो रही है। और जो अधिष्ठात्री देवों के भीतर आधिदैविक देवताओं के भीतर जो विष्णु है वो तो प्राकृत विष्णु है भौतिक सत्वगुण के विकार स्वरूप, इसीलिए यहाँ पर उनका वो तर्क जो है बेसलेस हो जाता है। तो एक मेक तरा भावे, फिर बहुत सारे उदाहरण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम है और हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याभितं मुखं पूषं तत्तु नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, वो भी है। उसके पश्चात यस्य प्रभा प्रमोदो जगदंड कोटि, बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो यस तत्र उभय विच्छेदः, अब देखिए बिना परमात्मा के जीवात्मा भी अपना कार्य नहीं कर सकता, भौतिक शरीर भी अपना कार्य नहीं कर सकता, और ये जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री जो देवता है चार और दस चौदह ये भी अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो परमात्मा है उसी को यहाँ पर आश्रय माना गया। और श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि श्री कृष्णाख्यम परम धाम, वो आश्रय श्री कृष्ण है, वो कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। इसलिए श्रीधर स्वामी जो कि अद्वैत वेदांतियों के सिरमौर है, उनके संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एटलीस्ट अपेरेंटली फॉर्मली औपचारिक दृष्टि से, और जो कि पूरी पीठ के शंकराचार्य भी रह चुके हैं 700 वर्ष पूर्व, वो श्रीधर स्वामी यदि श्री कृष्ण को यहाँ पर बता रहे हैं आश्रय तत्व, तो यहाँ पर जिस प्रकार से मधुसूदन सरस्वती को भी स्वीकार करना पड़ा कि वंशी विभूषित करान नवनील दाभा पीताम्बरा नरण बिंब फला धरोष्ठा पूर्ण सुंदर फला अरविंद नेत्रा कृष्णा परमपि तत्व हम न जाने। वंशी विभूषित जो श्री कृष्ण है, यहाँ पर किसी निर्गुण निराकार निर्विशेष कृष्ण की बात नहीं हो रही है, वंशी विभूषित जो कृष्ण है, बिंबाधर की लालिमा से युक्त जो श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण ही वास्तव में परम तत्व है और उससे परे कोई और है ऐसा मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती कट्टर शंकरवादी होने पर भी उनको ये बात स्वीकार करनी पड़ी, अद्वैतवादी तो वो अंत तक रहे लेकिन कम से कम साकारवाद को तो उन्होंने श्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया निराकार से। देखिए निराकार से साकार को श्रेष्ठ मानव मधुसूदन जी ने, लेकिन फिर भी अद्वैतवादी बने, ये एक अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा नहीं है, श्रीधर स्वामी भी श्री कृष्ण को ही। तो देखिए श्री कृष्णाख्यम परम धाम, वो श्री कृष्ण कैसे है, तो गौतमी तंत्र में बताया गया कि कृषि भूर वाचक शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण मित्यभिधीयते। कृषि भूर वाचक शब्द, कृष और न, कृष धातु का योग जब न प्रत्यय के साथ होता है तो कृष्ण शब्द बनता है। कृष धातु का तात्पर्य एक अर्थ को जो है आकर्षक होता है, आकर्षक सत्ता वाला, और कृष धातु का दूसरा मुख्य अर्थ तो यही है। तो कृषिभूर वाचक शब्द जिसकी आकर्षक सत्ता है उसको कृष कहेंगे, और जिसकी सत्ता ऋण प्रत्यय के साथ यानी परमानंद के साथ युक्त है जिसकी सत्ता,
परमानंद किसे कहेंगे? परमानंद निर्विशेष ब्रह्मानंद को कहेंगे या स्वरूपानंद को कहेंगे या स्वरूप शक्ति आनंद को कहेंगे? स्वरूप शक्ति आनंद में भी मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद को कहेंगे या अमूर्त स्वरूप शक्ति आनंद को कहेंगे? ये सभी झंझट यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो प्रीति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि आध्यात्मिक जो आनंद है, त्रिगुणातीत आनंद, वो कई प्रकार का, उसमें सबसे निकृष्ट है निर्विशेष ब्रह्मानंद। वो वैचित्रहीन है। उससे ऊपर आता है स्वरूपानंद। स्वरूपानंद का तात्पर्य है श्री भगवान में सत चित आनंद। और लेकिन वो आनंद जो श्री भगवान के भीतर है, वो अमूर्त रूप में जब रहता है तो उसको स्वरूपानंद कहते हैं। और वही जब, लेकिन यहां पर थोड़ा ये अंतर भी है कि स्वरूप शक्ति आनंद भी अमूर्त हो सकता है। तो अमूर्त स्वरूप शक्ति आनंद और अमूर्त स्वरूपानंद में भी थोड़ा भेद दिखाना पड़ेगा। जो स्वरूपानंद है वो तो अमूर्त है ही, वो तो मूर्त कदापि नहीं हो सकता। स्वरूपानंद का तात्पर्य है केवल आनंद, हलादिनी शक्ति के रूप में परिणत नहीं, केवल आनंद स्वरूप। प्रश्न उठा कि ऐसा तो निर्विशेष ब्रह्म भी केवल आनंद स्वरूप है, उसमें भी शक्ति का विकास नहीं है। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म में जो आनंद है उसमें शक्ति का विकास नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म कोटि का आनंद है जो शक्ति के रूप में अविकसित है। भगवान के स्वरूप में जो आनंद है वो भगवत कोटि का आनंद है, और वो भी शक्ति के रूप में विकसित न होने के कारण केवल अमूर्त स्वरूप आनंद के रूप से कहा जाता है। इसीलिए भगवान के व्यक्तित्व में जो अमूर्त स्वरूप आनंद है, वो आनंद ऐसा है जो शक्ति के रूप में विकसित नहीं है, और वो भगवत तत्व की कोटि वाला है। जबकि क्योंकि भगवत तत्व में नाम रूप गुण लीला धाम परिकर है, जबकि निर्विशेष ब्रह्म में न नाम है, न रूप है, न गुण है, न धाम है, न परिकर है, न लीला है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है वो छह प्रकार की विचित्रताओं से रहित है, और फिर उसका जो आनंद है जो शक्ति के रूप में विकसित नहीं है, केवल गुण के रूप में स्थित है, और फिर उसमें भी अमूर्त है, उसको निर्विशेष ब्रह्मानंद कहेंगे। भगवत तत्व का जो स्वरूप आनंद है वो भी अमूर्त है, नॉट पर्सोनिफाइड, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त है, लेकिन भगवत तत्व कोटि वाला है। शनैश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, नाम गुण लीला धारण परिकर युक्त, उस भगवत तत्व का वो अमूर्त आनंद है जो शक्ति के रूप में विकसित नहीं है। फिर उसी भगवत तत्व का एक ऐसा आनंद है जो शक्ति के रूप में विकसित है, लेकिन वो अमूर्त है, that is also not personified, उसको कहेंगे अमूर्त स्वरूप शक्ति आनंद। और फिर एक ऐसा स्वरूप शक्ति आनंद है जो मूर्त आकार को धारण कर लेता है, it undertakes a particular form, और उसको कहेंगे मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद। और वही है हमारे विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका। तो यहां पर ये जो कहा गया कि नश्च निर्वृत्ति वाचक, आकर्षक सत्ता वाले जो परमानंद युक्त सत्ता वाले हैं, वो परमानंद क्या है? विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका जो मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद है, उससे युक्त श्री कृष्ण है। और मूर्त जो स्वरूप शक्ति आनंद है वही अमूर्त स्वरूप शक्ति आनंद का अंशी है, वही अमूर्त स्वरूप आनंद का अंशी है, और वही अमूर्त निर्विशेष ब्रह्मानंद का भी अंशी है। मूर्त जो स्वरूप शक्ति आनंद है श्रीमती राधिका विश्वानंदिनी मादनाख्य महाभाव से ही, जिसके समस्त अंग प्रत्यंग और इंद्रियों का निर्माण हुआ, श्रीमती राधिका के अंग प्रत्यंग इंद्रिया और कुछ नहीं है, केवल मादनाख्य महाभाव है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद राय रामायण संवाद का अंतिम प्रकरण देख लीजिए, सब वहां पर स्पष्ट हो जाए। तो ऐसे अंशी आनंद से युक्त, आनंद में भी अंश और अंशी है, आपने देखा मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद अंशी है जो आद्या आह्लादिनी शक्ति राधिका के रूप में विराजित है, प्रकाशित है, और उसी के अंश रूप जो है मूर्त स्वरूप अमूर्त स्वरूप शक्ति आनंद है, अमूर्त स्वरूप आनंद है, और अमूर्त निर्विशेष ब्रह्मानंद है। और फिर उसी की छाया स्वरूप, उसी उसी अमूर्त निर्विशेष ब्रह्मानंद का छाया स्वरूप
भौतिक समुद्र से उत्पन्न होने वाला, विषयों के माध्यम से उत्तेजित होने वाला, मात्रा और स्पर्श के संयोग से निकलने वाला, मात्रा स्पर्शास्त्र कहते हैं, जो भौतिक सुख है, जिसको भौतिक सत्वगुण की ह्लाद नामक वृत्ति से प्रकट होने वाला बताया गया है, वो ह्लादिनी है और ये ह्लाद है। ह्लाद ताप करी विश्रांत वैनो गुण वर्जित है। देखिए विष्णु पुराण का श्लोक, तो कुल मिला के पांच प्रकार के आनंद हो गए। फिर एक दूसरा आनंद भी है छठवां, जिसको जीवात्मा का निज स्वरूप आनंद कहते हैं, उसकी भी प्रीति संदर्भ में चर्चा उठाई। इन समस्त आनंदों का जो मूल अंशी आनंद है वो है मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद श्रीमती राधिका। जीव का अपना एक स्वरूप आनंद भी है, लेकिन वो तटस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। भौतिक आनंद है वो बहिरंगा की श्रेणी में आता है, और ये चार प्रकार के जो आध्यात्मिक आनंद है वो अंतरंगा की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से त्रिशूलवाचक शब्दोंश्च निर्वृत्तिवाचक, आकर्षक सत्ता वाले और नित्य परमानंद यानी मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद राधिका से युक्त जो है, तयोरैक्यम परम ब्रह्म, इन दोनों की एकता जब होती है, आकर्षक सत्ता यानी द्वादश प्रकार के रस, कृष्ण मतलब द्वादश प्रकार के रस और रण मतलब राधिका, इन दोनों का जहां पर योग होता है वही वास्तव में कृष्ण है। प्रश्न हुआ कि नहीं राधिका तो अलग है ना, मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद तो अलग है, श्री कृष्ण से पृथक अवस्थित है। उत्तर दिया गया कि मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद श्री कृष्ण से पृथक अवस्थित है, लेकिन पुनः श्री कृष्ण की हृदय में भी मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद विराजित है। किस प्रकार से? ब्रह्मांड पुराण का राधा स्तोत्र इस बात को सिद्ध करता है कि जिसके प्राण श्रीमती राधिका के प्राण से पृथक नहीं है। तभी तो कहा गया कि जिह्वा राधा श्रुतौ राधा राधिका चाभि वंदने, नेत्रे राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा राधे आराध्यते मैं। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मांड पुराण में, मेरे समस्त अंगों में व्याप्त होने वाली राधिका यानी वही मूर्त स्वरूप शक्ति आनंद राधिका पृथक रूप से तो अवस्थित है बाहर श्री कृष्ण के शरीर के, लेकिन श्री कृष्ण के शरीर के अंदर भी वो मूर्त राधिका उनके हृदय में और समस्त अंगों में विराजित है। हृदय ना राधा नेत्र हृदय स्थित सर्वांग व्यापिनी राधा राधे आराध्यते मैं, ब्रह्मांड पुराण का राधा स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल इसको जुटला भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है, और वही बात तो सिद्ध हो जाती है जब वही श्री कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं, तो राधा और कृष्ण जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति के रूप में, राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्माद् एकात्मानाम विभूतिपुरादे हवेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकट भजनात् तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्विति सोलितं नौ कृष्ण स्वरूपम्। यही बात तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण विभीयते, उसको ऐसे परब्रह्म को हम कृष्ण कहेंगे, बृहद् गौतमीय तंत्र का ये स्पष्ट उल्लेख इसी को यहाँ पर श्री स्वामी पाद कह रहे हैं, श्री कृष्णाख्यम परम धाम, और ये परम आश्रय स्वरूप है। पर का तात्पर्य क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भगवान, अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को कहा, उसी प्रकार से वेद ऋग्वेद कहता है ओम तद विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवि चक्षुरादतम, उस विष्णु का जो परम पद है उसको सदैव सूर्य लोग भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद है वो देखते रहते हैं दिव्य नेत्रों के द्वारा। वो कैसे दिव्य नेत्र है? तो प्रेमानिजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, प्रेम रूपी अंजन से विभूषित वो नेत्र है। फिर कहते हैं भगवान ने गीता में कहा कि इस परम धाम शब्द का अर्थ यहाँ पर भगवान का धाम यहाँ पर भगवान निवास करते हैं वो माना जाए तो वो भी ले सकते हैं, न तद भाग्यों की भगवान का धाम भी भगवान से पृथक पृथक नहीं माना जाता, संधिनी शक्ति का ही मूर्त रूप है भगवत धाम, श्री बलदेव उसके आधार माने गए हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांकोन पावक। तो फिर ये कहा गया कि यद् गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, ऐसा जो है मेरा परम धाम है भगवान स्वयं अपने लिए भी कहते हैं सातवें अध्याय में गीता के, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय, मुझसे परतर और अन्य कोई सत्ता नहीं है, मैं सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में ही सब कुछ टिका हुआ है, आश्रय आश्रित का संबंध है, समस्त जड़भूत जीवभूत समुदाय मेरे ऊपर ही आश्रित है, जिस प्रकार से धागे के ऊपर समस्त जो मोती है वो पिरोए हुए और आश्रित रहते हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं।
ईश्वर प्रकृति है परम अलक्षण सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। आप ईश्वर ही प्रकृति से परे हैं, आदि पुरुष हैं, ऐसा कुंती महारानी भागवत में प्रथम स्कंध के आठवें अध्याय में कह रही है। फिर अहो भाग्य महो भाग्य अनंत गोक रजो कसम यत् विक्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वहां भी परम शब्द का उल्लेख हुआ, ईश्वर प्रकृति है परम नमस्य पुरुषम द्वाद्वित्वाद्यम, वहां पर भी परम शब्द का प्रयोग हुआ। ओम तव विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयो, वहां भी परम शब्द का प्रयोग हुआ। न तद भासयते सूर्यो तद धाम परम मम, वहां पर भी परम शब्द का प्रयोग हुआ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, वहां पर भी परम शब्द का प्रयोग हुआ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान, वहां पर भी परम शब्द का प्रयोग हुआ। उसके पश्चात अहो भाग्यम अहो भाग्यम यन् मित्रं परमानंदम, वहां पर भी परम शब्द का प्रयोग। हरिर् हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः, यहां पर भी परम शब्द का प्रयोग हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की या निर्गुण ब्रह्म आदियों की भी यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। तभी तो श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो सहर्ष पुष्प की जा सकती है। देखिए इसी प्रकार का एक मंत्र आया है उपनिषदों में, स एव माया परिमोहित आत्मा वाला मंत्र है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो परमात्मा है वही भौतिक शरीर में प्रवेश करके माया के द्वारा परिमोहित हुआ सा दिखाई देता है और सभी प्रकार के कर्म के फलों का भोग करता है, सुख दुखादियों का, और शोक मोह के भी अभिभूत हो जाता है। ये वही परमात्मा है। उसकी व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी पाद ऐसा कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा कदापि कर्म फलों का भोग नहीं करता, वो तो जीवात्मा ही करता है। वास्तव में जो परमात्मा है कदापि शोक मोह के अभिभूत नहीं होता। ये सभी जो लक्षण है वो जीवात्मा के ऊपर लागू पड़ते हैं। तथापि ये कहा गया कि सैव माया परिमोहित आत्मा, परमात्मा का संदर्भ वहां पर चल रहा है और परमात्मा के लिए उस मंत्र का प्रयोग उपनिषदों ने किया, तो इसका तात्पर्य क्या निकल गया? तो इसका तात्पर्य वहां पर ये निकाला गया है कि ये वास्तविकता नहीं है। परमात्मा तो किसी भी प्रकार से जीवात्मा की दशा में नहीं आ सकता, वो कर्म फलों का भोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र और वो माया से परे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो मतलब उसको वास्तविक सिद्धांत निरूपक श्लोक नहीं माना है जीव गोस्वामी ने। उपनिषदों के उस मंत्र को सिद्धांत निरूपक श्लोक नहीं माना, उपनिषद के उस मंत्र को जीव गोस्वामी ने केवल पूर्व पक्षियों का अनुवर्तन मात्र नाम दिया कि ये तो जो मायावादी अद्वैत वेदांती जो पूर्व पक्षी है उनकी बात को केवल यहाँ पर निरूपित मेंशन किया गया है उपनिषदकार के द्वारा, ये सिद्धांत निरूपक श्लोक नहीं है। जो विपक्षी है उसकी बात को इस श्लोक बताता है, ये सिद्धांत निरूपक श्लोक नहीं है। क्योंकि फिर अन्य श्लोक भी है, कर्तार भीषम ब्रह्मपुरुषम ब्रह्म योनि, और अन्य श्लोक भी है सर्वभूता शरस्थित कर्माध्यक्ष आदि, कि जिसमें द्वासुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम वृषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलः स्वाद्व अन्यो विचाकशीति अनन्यो विचाकशीति, और दोनों को पृथक माना गया। तो इसीलिए ये केवल कर्म फल का निरीक्षण करता है परमात्मा, स्वयं भोग नहीं करता। लेकिन जब ये परमात्मा स्वयं भोग कर रहा है ऐसा मंत्र आया तो ये तो पूर्व पक्षियों के मत का यहाँ पर निरूपण हो रहा है। उसी प्रकार से उसी दृष्टांत को आप यहाँ पर भी ले सकते हैं कि जब ये कहा जाता है कि विष्णु को प्राकृत बताया जा रहा है तो ये यहाँ पर यदि प्राकृत विष्णु है तो फिर वो विशुद्ध सत्व में विष्णु से पृथक है, ऐसा मानो। लेकिन इसका एक और गुण अर्थ ये भी है जो ठीक है आपने मुझे याद दिलवाया इस प्रश्न के माध्यम से, इसका यहाँ पर एक और गुण अर्थ ये भी है कि विष्णु
जो विशुद्ध सत्वमय है वो तो कदापि प्राकृत हो नहीं सकते। इसीलिए ये जहां पर ये कहा जाता है कि विष्णु जो है वो भौतिक इंद्रिय पाद इंद्रिय के अधिष्ठाता है और वो भौतिक सतोगुण के वैकारिक अहंकार के वो कार्य रूप है, विकार स्वरूप है, तो ये वास्तव में जो है मायावादियों को, अद्वैतवादियों को और जितने भी अन्य बहिर्मुख ज्ञानी कर्मी लोग हैं विशुद्ध वैष्णव सिद्धांतों के विरोध में चलने वाले, उनको मोहित रखने के लिए जो है ऐसे वाक्यों का यहाँ पर प्रयोग है। ये भी इसका एक समाधान है। जैसे वहां उपनिषदों में भी सम्मोहनकारी एक वाक्य वो पूर्व पक्षियों की बात करता है, उसी प्रकार से ये भी इसका यहाँ पर एक अर्थघटन हो सकता है। और मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया है अभी जो मैटर है। लेकिन मान लीजिए ये अर्थघटन थोड़ा गले के नीचे उतारना कठिन हो तो फिर यही मानना पड़ेगा कि यहाँ जिस विष्णु की बात हो रही है वो डिफरेंट विष्णु, क्योंकि समस्या ये आती है ना कि बड़ा स्पष्ट रूप से फिर यहाँ पे वो भागवत वाला न्याय भी नहीं लग सकता है कि छह प्रकार के सात्विक पुराणों में भागवत की भी गणना हुई लेकिन भागवत विशुद्ध सत्वमय है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर परम शुभम शब्द लगा, यहाँ पर वो बात भी लागू नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी आप ये तर्क रख सकते हैं कि भैया जितने भी 10 इंद्रियों के देवता हैं उन सभी को प्राकृत माना, उनमें से एक विष्णु है लेकिन विष्णु विशुद्ध सत्वमय होने चाहिए, भले ही कहा नहीं है लेकिन विशुद्ध सत्वमय होने चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि भागवत में स्पष्ट बताया कि समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता लौकिक सत्वगुण के विकार है। जब ऐसा स्पष्ट निरूपण है तो फिर वहां पर विष्णु को रखने, इसीलिए बात ये मानना हमारी बाध्यता है कि ये जो विष्णु है इसका इसमें निरूपण हो रहा है वो विशुद्ध सत्व मूर्ति विष्णु नहीं है, वो प्राकृत देव है जिसको विष्णु माना गया है। या फिर आप ऐसा मान लो कि ये केवल जो है अद्वैतवादियों को मोहित करने के लिए, विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत के विरोध में जो लोग चलते हैं उनको मोहित करने के लिए ऐसा वाक्य रख दिया। जैसे भी हो विशुद्ध सत्वमय जो विष्णु है वो कदापि भौतिक सत्वगुण के विकार स्वरूप नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा सिद्धांत है। There is no other alternative to it। उनका जो प्रतिबिंबवाद है थियरी ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉट द सेम। रस की दृष्टि से जो तारतम्य है जी, यानी आप पहले हियर इन दिस वर्ल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर अवेलेबल फॉर द जीव, आई हैव ह्यूमन बॉडी दिस बर्थ, आई विल बी डॉग नेक्स्ट बर्थ। नहीं तो आप एक साथ गौर धाम में भी गौर पार्षद बन सकते हैं और वृंदावन धाम में आप कृष्ण पार्षद बन सकते हैं, ये तो है। व्हाट अबाउट दिस इज अवेलेबल आई, बट व्हाट अबाउट आई एम अवेलेबल इन साकेत इन अ डिफरेंट रस ऑल्टर इन दास्य भाव एंड देन इन गोलोक। श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम समालोचन, हनुमान जी का वाक्य पुराण में ये नहीं हो सकता। एक ही इष्ट रहेगा और एक ही जगह जाना पड़ेगा। ये तो गौर चंद्र और कृष्ण चंद्र जो है रस की दृष्टि से भी पृथक नहीं है, ऑन्टोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली दोनों प्रकार से एक ही स्वयं रूप श्री कृष्ण है। दोनों ही कृष्ण तो कृष्ण है ही लेकिन गौर चंद्र भी कृष्ण है, वो तो परिशिष्ट लीला है ना कृष्ण लीला की, तो इसीलिए वहां पर आप दोनों स्थानों पे एक साथ जा सकते हैं अलग अलग पार्षद देह धारण करके। लेकिन अन्य जो स्वरूप है राम नरसिंह आदि उनके संबंध में ये लागू नहीं पड़ेगा, वहां पे एक ही इष्ट रहना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही कृष्ण की लीला में सखा के रूप में भी और सखी के रूप में भी एक जीवात्मा, लेकिन ये अशुद्ध है ऐसा कभी सुना और देखा नहीं गया है आजकल। क्या नारदी गोपी का हाल क्या हुआ तो आपको पता ही है, फिर उसको जाना ही पड़ा ना, गोपी का शरीर भी छीन लिया गया, वो सब टेम्पररी था। वो तो ब्रह्मकुंड में स्नान करके गोपी का शरीर प्राप्त हुआ लेकिन गोपी का अभिमान थोड़ी प्राप्त हुआ, राघवन का भक्ति तो है नहीं, क्योंकि देवियों ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेम एक निष्ठा था। ज्ञान विमुक्त की श्रेणी में तो नारद है, संकादि जो है ज्ञान यानी भक्ति श्रेणी में, संकादि ज्ञान विमुक्त भक्ति श्रेणी में नारद है,
और प्रेमी भक्ति की श्रेणी में तो फिर जो है ब्रज गोपियां और ये सब ही आते हैं। तभी तो बैलेंस बनेगा ना। इसीलिए अंत में जाके जब हम देखेंगे तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, ये सिद्ध होता है। तभी तो बैलेंस बनता है कि ऑन्टोलॉजिकली दे आर सुपीरियर बट मॉर्फोलॉजिकली दे कैन नॉट बिकम सुपीरियर। इफ दे आर इन अ लोअर रसा दे कैन नॉट चेंज देयर रसा। क्योंकि आप एक बात भूल रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध परिकर है वो रागात्मिक है। रागात्मिक भी किस प्रकार का राग है? यदि शांत रस के परिकर है और रागात्मिक है तो वो स्वयं शांत रस ही मूर्तिमान उस परिकर के रूप में प्रकट हुआ है। और फिर आप ये कहो कि वो परिकर जो है दास्य रूप में भी सेवा करे दास्य रस में, तो इसका मतलब तो ये कहना हो जाएगा कि शांत रस ही दास्य रस बन जाए, जो असंभव इंटरचेंजेबल नहीं है ना। जबकि हम जो साधन सिद्ध है हम स्वयं राग नहीं है, हम स्वयं रस नहीं है, हम स्वयं रति नहीं है। हम रति रस राग के साथ युक्त हो सकते हैं एंडाउड। राग आत्मिक नहीं है हम। वी आर नॉट पर्सोनिफाइड राग। वी कैन बिकम एंडाउड विथ राग एंड दैट्स व्हाई वी कैन बिकम साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन गौर लीला इन दास्य रस और सख्य रस एंड इन कृष्ण लीला इन द फॉर्म ऑफ ए मंजरी इन श्रृंगार रस। दैट इज पॉसिबल। लेकिन फिर यहाँ पर एक तर्क और लगता है कि इस प्रकार से तो जो नित्य सिद्ध परिकर है रूप गोस्वामी आदि वो भी रागात्मिक है। तो वो यदि रागात्मिक है तो फिर वो एक साथ और जो ललिता विशाख आदि है वो भी सभी रागात्मिक और कामात्मिक है, तो फिर वो एक साथ कैसे प्रकट हो सकते हैं? ये भी एक प्रश्न खड़ा है। क्योंकि राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका को देखो, गौर गणोदेश दीपिका को देखो, तो एक साथ वही ललिता गौर लीला में स्वरूप दामोदर के रूप में और यहाँ ललिता के रूप में स्वरूप दामोदर के रूप में है तो दास्य और सख्य भाव है महाप्रभु के साथ, और जब यहाँ है तो श्रृंगार का भाव है। तो यदि व्यक्ति से रागात्मिक परिकरों के संबंध में फिर ये इंटरचेंजेबल कैसे हो जाता है? नहीं, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो राधा और कृष्ण की जो व्रज की जो लीला है उस ब्रज की लीला में खास करके गौर और कृष्ण में हमने आपको बताया कि कोई भेद नहीं है। परिशिष्ट लीला है ना वो कृष्ण लीला की, तो परिशिष्ट लीला होने के कारण जो नित्य सिद्ध परिकर है उनका रस यहां पर चेंज हो सकता है। परिशिष्ट अपेंडिक्स पास्ट टाइम्स फॉर्मिंग द अपेंडिक्स पोर्शन। तो यहाँ पर ललिता श्रृंगार में है कृष्ण लीला में और वही ललिता गौर लीला में दास्य तथा सख्य में आ जाती है स्वरूप दामोदर के रूप में। तो ये कैसे संभव है भाई? एक तरफ जब श्रृंगार रस ही मूर्तिमान ललिता के रूप में प्रकट है तो वही श्रृंगार रस कैसे दास्य और सख्य बन जाएगा? तो श्रृंगार रस जो है दास्य और सख्य इसीलिए बन सकता है, परंतु दास्य और सख्य श्रृंगार नहीं बन सकते। संभव प्रमाण लगा यहाँ पर इंक्लूजन वाला। एक तो यहाँ पर संभव प्रमाण लगा इंक्लूजन वाला कि उसमें वो इंक्लूडेड है, क्योंकि पंच जो गुण है पंच रसों के तो श्रृंगार में पांचों पांच गुण है, तो पांचों पांच गुण जिस श्रृंगार में है वो श्रृंगार दास्य सख्यादि के रूप में परिणत हो सकता है, लेकिन दास्य सख्यादि श्रृंगार के रूप में परिणत नहीं हो सकते। ये भी यहाँ पर एक न्याय है। लेकिन इससे बड़ा एक दूसरा न्याय है कि गौर लीला कृष्ण लीला की परिशिष्ट लीला है, इस कारण से कृष्ण लीला के परिकर गौर लीला के रूप में आ सकते हैं, ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है योग माया का। लेकिन ये बात आप यदि राम लीला के परिकर ये कहो कि हनुमान जो है वहां पर सख्य रस में सेवा दे रहे हैं दास्य भाव में रामावतार में, और वही जो हनुमान है वो श्री कृष्ण लीला में मंजरी बन जाए तो ये असंभव है, क्योंकि राम लीला कृष्ण लीला की परिशिष्ट लीला नहीं है, ना कृष्ण लीला राम लीला की परिशिष्ट लीला है, और ना ही दोनों में
दोनों स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान केवल कृष्ण है और महाप्रभु है, और दोनों एक कोटि के हैं, एक ही है। महाप्रभु श्री कृष्ण का प्रकाश भी नहीं है, महाप्रभु स्वयं रूप कृष्ण ही है। परिशिष्ट है ना, इसलिए परिशिष्ट शब्द को वहां डाला गया है, चेतन चेतावनी आदि होती। तो परिशिष्ट का मतलब क्या है कि वो प्रकाश भी नहीं है, वो जो है कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण का जो है उसको हम कहेंगे कृष्ण का परवर्ती रूप है, पूर्ववर्ती रूप नहीं है। जैसे भागवत के दशम स्कंध में कृष्ण लीला को दो प्रकार की माना गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो कृष्ण का पूर्ववर्ती रूप कृष्ण है और कृष्ण का परवर्ती रूप गौरचंद्र है। गौरचंद्र जो है ना प्रकाश है कृष्ण के, ना तदेकात्म है, ना विलास है, ना स्वांश है, ना और किसी प्रकार का है, कृष्ण ही है, गोरखनाथ कृष्ण, लेकिन उसका परवर्ती रूप है। इसीलिए वो स्पेशल अरेंजमेंट है कि परिशिष्ट लीला होने के कारण गौर लीला में कृष्ण लीला की समस्त नित्य सिद्ध रागात्मक परिकर आ सकते हैं विभिन्न रसों को धारण करके। और खास करके आप ये देखना कि जो मंजरी है और जो श्रृंगार भाव वाले जो परिकर है, तो ये श्रृंगार रस में अन्य रसों की गुण है, इसलिए वो अन्य रसों में जा सकते हैं। लेकिन ये बात भी फिर अन्यों की समझ में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार ये आपस में जो है इंटरकनेक्टेड नहीं है। गौर अवतार और कृष्ण अवतार की बात, बहुत सारे इस प्रकार के पहलू है। अच्छा, आपने प्रश्न किया कि इस विषय जो है विश्लेषणात्मक विवेचना में हम चले गए, पहले कभी इसके जो है वो इतना गहराई से विचार विमर्श प्रवचन में नहीं हुआ इस संबंध में। आपका अच्छा प्रश्न है, मुने हर्ष साधु पृष्ठ हम बौद्ध लोग मतलब यद करता है कृष्ण संप्रष्ट हो ये नात्मा सुप्रसिद्ध। हाँ, नहीं, फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि गौर लीला अंशी है, नरसिंह लीला अंश है, क्योंकि गौर अंशी है, नरसिंह उनके अंश है, गौर तो कृष्ण ही है ना साक्षात। तो वो अंश लीला, लीला में भी इस प्रकार से है अंश लीला और अंशी लीला। तो ये अंशी लीला है, तो यानी पहले वासुदेव दत्त है, फिर प्रहलाद बाद में। वासुदेव दत्त जो है गौर लीला अंशी लीला होने के कारण वासुदेव दत्त पहले है, और वासुदेव दत्त के अंश स्वरूप प्रहलाद महाराज। लेकिन होता क्या है कि इस भौतिक जगत में पहले प्रहलाद जी का अवतरण हो गया सत्य युग में, और फिर कलयुग में वासुदेव दत्त आए गौर लीला के समय। इसीलिए फिर जो हम ऑलरेडी जानते हैं जिसके बारे में उसको पहले बताया जाता है। जैसे ये कहना हो, गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं कि पहले जो राम के रूप में प्रकट हुए रक्तावता, पहले जो हंस के रूप में प्रकट हुए शुक्लावता, वही इस समय कृष्ण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आसन तो विधेय पाछे अनुवाद चेतन चेतामृत में भी प्रथम आदि लीला के जो उसका जो तीसरा अध्याय है उसमें बताया गया है कि पहले जो जानते हैं उसको बताओ और जो नहीं जानते हैं उसको बाद में बताओ। जो नहीं जानते हैं उसको पहले बताएंगे और जो जानते हैं उसको बाद में बताएंगे तो गड़बड़ होगी। इसीलिए जो अनुवाद है वो पहले आना चाहिए, पीछे विधेय आना चाहिए। पहले विधेय और पीछे अनुवाद नहीं हो सकता। ये चेतन चेतामृत में कबीराज जी बताते हैं, एते चांश कलापन सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णों की व्याख्या करते समय। उसी प्रकार से हम हमारे भौतिक जगत में क्या है, पहले प्रहलाद जी का पहुंच का सत्य युग में। इसीलिए फिर कहा जाता है गौर गणोदेश दीपिका आदियों में कि जो पहले पूरा सत्य युग में, पूरा यानी पहले प्राचीन काल सत्य युग में जो पहले प्रहलाद के नाम से आए थे, वो इस समय वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन वास्तव में यदि गौर की नित्य लीला को हम देखें, तो गौर की नित्य लीला अंशी लीला होने के कारण, नरसिंह लीला अंश लीला होने के कारण वासुदेव दत्त के अंशभूत प्रहलाद महाराज है। ये तो फिर ऐसा हो गया कि नहीं, चूंकि राम पहले आए इसलिए वो ज्यादा महान है, ऐसा थोड़ी होता है। यही तो तर्क गीता पुलिस गोरखपुर वाले देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम पहले आए तो पहले राम को रखो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑन्टोलॉजिकली कृष्ण जो है सबसे महान है, राम उनके स्वांश है, इसलिए पहले कृष्ण ही आना चाहिए। उसी प्रकार से ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग ये अंशी लीला है गौर लीला, और नरसिंह लीला उसकी अंश लीला है। तो इसीलिए ये नहीं हुआ है कि पहले
मैं जो यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले अंश हो और फिर अंशी हो, ये नहीं हो सकता। आप कहें कि आपका प्रश्न क्या है कि हनुमान जो है कृष्ण लीला में कुछ पद को प्राप्त करे, ये नहीं हो सकता। परंतु कृष्ण लीला का कोई पार्षद हनुमान बन सकता है राम लीला में? अंशी आदर में राउंड है। एक व्यक्ति को बोल लेते हैं आपका तो आपका प्रश्न ये है कि नित्य लीला है, सब कुछ है, तो फिर ये कैसे कहा जाए कि ये अंशी है और ये अंश है? लेकिन ये तो समस्त रूप नित्य है, फिर भी अंशी और अंश का लॉजिक तो अप्लाई होता ही है उसमें। जैसे नरसिंह भगवान भी नित्य है, कृष्ण भी नित्य है, तो भी कृष्ण अंशी है और नरसिंह अंश है। उसी प्रकार से कृष्ण लीला भी नित्य है, नरसिंह लीला भी नित्य है, तो भी नरसिंह लीला अंश है, कृष्ण लीला अंशी है। दूसरी एक बात, ब्रह्म वैवर्त पूरा प्रथम खंड में, ब्रह्म खंड उसका प्रथम दो तीन अध्याय उसमें वर्णन आता है, और तर्क संहिता की भी प्रारंभिक अध्याय में लगभग ऐसा वर्णन है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण तो बड़ा स्पष्ट करता है कि सबसे पहले केवल गोलोकनाथ श्री कृष्ण ही थे, उन्हीं से नारायण राम नरसिंह आदि जो रूप है और उनके धाम परिकर लीला आदि प्रकट हुए। लेकिन फिर भी इसका तात्पर्य ये हम नहीं मान सकते कि वो टेम्पररी रूप है। राम का धाम भी नित्य है, नरसिंह का धाम भी नित्य है, सभी के धाम नित्य है, सभी की लीलाएं नित्य है, लेकिन सभी श्री कृष्ण के शरीर में सुप्त भाव से भी नहीं, सक्रिय भाव से, लेकिन श्री कृष्ण के भीतर समय आने पर ओझल हो जाते हैं और समय आने पर बाहर निकलते हैं। जैसे भौतिक जगत जो है, भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है, एक पाद विभूति, भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है, समय आने पर, प्रलय आने पर कारण दक्षिणा महाविष्णु में समा जाते हैं, फिर समय आने पर बाहर निकलते हैं। उसी तरह से चतुष्पाद विभूति में भी ये ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि समय आने पर राम नरसिंह आदियों की जो धाम परिकर लीला आदि है और रूप है, वो श्री कृष्ण से बाहर निकलते हैं और पुनः श्री कृष्ण में प्रवेश करते हैं, गोलोक आदि का श्री कृष्ण। ये बात वैवर्त पुराण में उल्लेखित है, तो शायद इससे जो है आपके प्रश्न का समाधान है। उसमें जो चैतन्य महाप्रभु मुरारी हनुमान वहाँ पर एक रूप में है, मतलब ये प्रश्न है या आप कंफर्म करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ अभी जैसे हमने चर्चा की है, ये जो गौर पार्षद है या फिर कृष्ण के पार्षद है गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में भी एक स्पेशल चैम्बर है, उसका नाम है प्रकोष्ठ है, उसका नाम श्वेत द्वीप है, जिसको नवद्वीप माना गया है। हाँ, तो उसमें गौर लीला है। वहाँ जो पार्षद लोग रहते हैं, वो पार्षद अलग एक वैकुंठ में है, नृसिंहदेव भगवान के साथ राम के साथ अलग कैसे रह सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। ये इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि स्वयं गौर चंद्र भी आप यदि देखें तो उन्होंने नरसिंहावेश नरसिंह रूप प्रकट किया था नवद्वीप लीला में, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है, वराह का रूप प्रकट किया था उन्होंने भी जो है
जो है राम का रूप प्रकट किया था वो तो षडभुज रूप में तो किया ही है, जितने भी यहाँ तक कि मत्स्य कुर्मादियों के रूप भी भगवान गौरचंद्र ने प्रकट, यहाँ तक कि एक बार तो शिव का रूप भी प्रकट किया है उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब गौरचंद्र समस्त रूपों को प्रकट कर सकते हैं, गौरचंद्र अंशी है, अंशी होने पर भी अंश स्वांशों को प्रकट कर सकते हैं अपने रूप में, तो जो अंशी परिकर है गौरचंद्र के जो परिकर है मुरारी गुप्त है वासुदेव दत्त है, अंशी परिकर जो है वो अंश परिकरों को भी प्रकट कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, अंशी लीला जो है अंश लीला को प्रकट कर सकती है, अंशी परिकर अंश परिकर को प्रकट कर सकते हैं, ये यहाँ पर सिद्धांत स्थिर होता है। ये इससे आपको समाधान हो रहा है आपके प्रश्न का? दूसरा एक पॉइंट याद आया, दूसरा एक पॉइंट ये है कि जब चैतन्य चैतामृत में ये वर्णन आता है, ये बिंदु है दूसरा, कि जब चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में ये वर्णन आता है कि महाप्रभु दक्षिण के पथ पर प्रवासी है और वो नरसिंह जी का दर्शन कर रहे हैं अहोबलम में जाकर जीड़ में जाकर, तो कहते हैं जय जय प्रहलादेश पद्मा मुख पद्म भृंगा इस प्रकार से, और आनंद रूप नृत्य करने लगते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो जो तीन इच्छाएं थी कि राधा जिस कृष्ण की माधुरी का आस्वादन करती है, श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्य मान जाएगा, तो उस राधा जिस श्याम सुंदर की माधुरी का आस्वादन करती है उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए चैतन्य चंद्र प्रकट है। तो यदि चैतन्य चंद्र श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन की माधुरी का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं, ये तीन में से उनकी एक इच्छा है, तो फिर वो नरसिंह की माधुरी का आस्वादन क्यों कर रहे हैं? और वहां पर चैतन्य चैतामृत का कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि नरसिंह देव की माधुरी का आस्वादन किया, तो नरसिंह की माधुरी का आस्वादन करके इस प्रकार से भाव के उल्लास में आ जाना और नृत्य करने लगना ये तो बड़ी असंगत बात है। तो वहां पर ये समझाया गया है विद्वान और आचार्यों की टीकाओं में कि नरसिंह के और अन्य जितने भी राम आदियों के दर्शन किए महाप्रभु ने और वो वहां आस्वादन करने लगे मधुरी माँ का, तो उसका तात्पर्य ये है कि श्री श्याम सुंदर जो कि स्वयं भगवान है, स्वयं रूप है, ब्रजेंद्र नंदन है, उनकी पूर्ण मधुरी माँ का आस्वादन तभी हो सकता है जब उनके जितने भी स्वांश हैं राम नरसिंह आदि उनकी भी मधुरी माँ का आस्वादन हो, ये हम वहां पर तर्क दिया है। तो इसी कारण से ये जो प्रश्न उठता है कि ये जितने भी अंशी परिकर हैं इनको अंश परिकरों के रूप में जाने की क्या जरूरत है? जो मुरारी गुप्त है अंशी परिकर है, उनको हनुमान के रूप में अंश परिकर के रूप में प्रकट होने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से महाप्रभु के अंदर ये इच्छा है उस तरह से उनके परिकरों के अंदर भी ये इच्छा जागृत होती रहती है कि हम अन्य भगवत स्वरूपों का आस्वादन करें, लेकिन अंश परिकर के मध्य ये इच्छा जागृत नहीं होगी। जैसे हनुमान है वो अंश परिकर है, वो तो यही कहेंगे कि श्रीनाथ है जानकी नाथ है चा भेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। मुरारी गुप्त हनुमान के रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हनुमान ये नहीं चाहेंगे कि वो अंशी परिकर के रूप में प्रकट हो जाए। यानी यदि हम ऐसा मानते हैं कि पहले हनुमान है और बाद में मुरारी गुप्त है तो ये क्रम ठीक नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऑन्टोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल का यहाँ पर आपको दोनों पटरियों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्या इसमें समाधान हो रहा है? जैसे गोलक वृंदावन और गौर मंडल नाम से कोई अंतर नहीं है, सारे पार्षद जो गोलक वृंदावन में रहने वाले उसमें जा सकते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला तो। अच्छा एक और बात, ये जो परिशिष्ट लीला वाली जो बात बताई कि परवर्ती रूप है पूर्ववर्ती रूप है, ये भी केवल प्रकट लीला के संबंध में है, ये भी एक बड़ा रहस्य है। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तीसरे और चौथे अध्याय में कहते हैं कि गोलोक में बैठे बैठे कृष्ण ने विचार किया कि अरे मेरी तो ये तीन अभिलाषाएं पूरी हो ही नहीं पाई, अब मैं गौरचंद्र के रूप में जाऊंगा, तो वहां पर ये स्पष्ट किया गया है कि प्रकट लीला का स्मरण होने के पश्चात श्री कृष्ण ये विचार करते हैं। तो प्रकट लीला के कृष्ण और प्रकट लीला के गौर के बीच में ये परवर्ती पूर्ववर्ती का संबंध है,
नित्य लीला की गौर लीला और नित्य लीला की जो कृष्ण लीला है उसके बीच में पूर्ववर्ती परवर्ती का संबंध नहीं है। नित्य लीला की गौर लीला और नित्य लीला की जो कृष्ण लीला है उसकी परिशिष्ट लीला नहीं है। नित्य लीला की जो गौर लीला है वो नित्य लीला की कृष्ण लीला की परिशिष्ट नहीं है परंतु काउंटर पार्ट है। नॉट अपेंडिक्स बट काउंटर पार्ट। परिशिष्ट नहीं है लेकिन जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप कहें कि ये पहला भाग ये पिछला भाग, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी क्या गारंटी है कि ये पिछला भाग है और ये पहला भाग है? सिक्के में क्या गारंटी होती है? कोई गारंटी नहीं होती। ये तो हमने ऐसा मान लिया है कि ये अगला भाग ये पिछला भाग, सिक्के के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है कि ये पिछला भाग है ये अगला भाग है। उसी तरह से जो नित्य लीला में जो गौर लीला और कृष्ण लीला जो अप्रकट रूप से जो चलती है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पहले कृष्ण लीला है और फिर उसकी परिशिष्ट लीला गौर लीला है, क्योंकि फिर ये मानना हो जाएगा कि पहले कृष्ण का रूप है और फिर कालक्रम में किसी समय विशेष में जाके वो गौर चंद्र के रूप में प्रकट होते। नहीं, गौर चंद्र का रूप ही उतना ही अनादि और नित्य है जितना कृष्ण लीला का है। लेकिन प्रकट लीला में क्या होता है कि जैसे पहले राम आते हैं फिर कृष्ण आते हैं फिर गौर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकट लीला के बाद कृष्ण ने विचार किया कि अब मेरी तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो मैं पुनः गौर के रूप में जो है इस धराधाम पे जाके प्रकट लीला करूंगा कलयुग के प्रारंभ में। तो ये केवल प्रकट लीला के संबंध में ही ये परिशिष्ट वाला न्याय लागू पड़ता है। फर्स्ट एंड फॉरवर्ड नित्य में गौर लीला कृष्ण लीला दोनों ही इक्वली साइमल्टेनियसली दिया एज बिगिनिंगलेस परिशिष्ट नहीं है, वो केवल काउंटर पार्ट है एक सिक्के के दो पहलू की बात। हाँ, अभी आप अपना प्रश्न पूछ लें। कुछ प्रकट लीला जैसे स्तनपान आदि और पतियों के साथ गोपियों का विवाह होना, ये सभी असुरों को मारना, ये भी नहीं है। महाप्रभु की गृहस्थ आश्रम की जो लीलाएं हैं वो भी नित्य लीला है। संन्यास लेने के बाद की जो 24 साल की लीलाएं हैं वो नित्य लीला में नहीं मानी जाती। मतलब वो वाली नित्य लीला में नहीं है, प्रकट लीला में है। लेकिन एक प्रकार से प्रकट लीला भी नित्य लीला है, क्योंकि एक ब्रह्मांड में प्रकट लीला पूरी होती है तो दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। तो एक दृष्टि से प्रकट लीला भी नित्य लीला है, लेकिन अप्रकट नित्य लीला में वो भी फिर भौम नवद्वीप की अप्रकट नित्य लीला और आध्यात्मिक जो चिन्मय आकाश स्थित जो श्वेत द्वीप है उसकी अप्रकट नित्य लीला, ये दोनों में तो महाप्रभु के सिर्फ गृहस्थाश्रम की लीला ही है। तभी तो हमारे जो गौर गोविंदार्चन स्मरण पद्धति है श्री ध्यानचंद्र और श्री गोपाल गुरु गोस्वामी के द्वारा लिखित जो राधाकांत मठ के अधिपति थे, तो उसमें और मानसी सेवा जैसे जितने भी ग्रंथ हैं गौड़ीय संप्रदाय के, उसमें स्पष्ट बताया गया कि नित्य लीला में गौरचंद्र के गृहस्थ रूप का ही ध्यान करना है। नित्य लीला का जब आप ध्यान करते हैं, नित्य जो अष्टयाम लीला जैसे राधा गोविंद की है वैसे गौरचंद्र की भी नित्य अष्टयाम लीला है, तो उसमें गौरचंद्र का केवल गृहस्थ आश्रम वाला रूप ही स्वीकृत हुआ है उपासना के लिए। सन्यासी रूप की उपासना नहीं होती, नहीं तो आज हमारे यहाँ पे सन्यासी रूप की उपासना होती। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में परिपाटी ऐसी है कि जो महाप्रभु की जिस विग्रह की उपासना होती है वो केशयुक्त विग्रह है, गृहस्थ लीला का विग्रह है, नवद्वीप लीला का, पूरी लीला वाले रूप की उपासना नहीं होती। ये भी यहाँ पर एक रहस्य है। ठीक है, जैसे जगाई माधाई वाली लीला है वो नित्य लीला में नहीं है, नित्य गौर लीला में वो उसका वर्णन दिया गया है ग्रंथ में, उसका वर्णन है कि किन किन लीलाओं को नित्य लीला का अंश माना जाए और किन को प्रकट लीला का। ठीक है, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।